गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो सभी? हफ्ता बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे बहुत ही जोश और होश के साथ में। प्यारे बच्चों, मैं श्री किशन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आरएसआर यूट्यूब चैनल पर एक शानदार सेशन में। और सेशन कौन सा है ये आज आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आज अपनी चल रही है पूर्ण आहुतियां। सबसे पहले आपने फिजिक्स की पूर्ण आहुति दी, फिर आपने मैथ की पूर्ण आहुति दी, और उसके बाद में आ चुके हैं हम लाइव इंग्लिश के साथ में। और अब हम करने वाले हैं सर इंग्लिश की पूर्ण आहुति का पार्ट फर्स्ट। फटाफट से मेरा हर शेर शेरणी आ जाएगा, क्लास को शेयर कर देगा, और फटाफट से बाकी सभी शेर शेरणियों को बुला लीजिए। आने वाले दो घंटे तक हम रेगुलर इस पूर्ण आहुति का जो ये यज्ञ है इसको रेगुलर रखेंगे। फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे, जल्दी से आ जाएंगे, और अपनी शानदार सी पंक्तियों के साथ में मैं इस आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करना चाहता हूं, पूर्ण आहुति के इस सेशन की शुरुआत करना चाहता हूं। कि कदम कदम बढ़ा के हम सफर पे चलते जा रहे, कि कश्तियां चला चला भंवर के पार जा रहे, छू रहे हैं आसमां इरादे मेरे शेरों के, छू रहे हैं आसमां इरादे मेरे शेरों के, कि तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे, तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे। हम सफलता के दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता का दरवाजा अपने लिए खुला पड़ा है, बस इंतजार है तो इस बात का कि कब हम अपना अगला कदम उठाते हैं और कब सफलता के दरवाजे में एंटर करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा, इसीलिए एक जय हिंद वाला नारा भी आपका लगना चाहिए। आ जाओ जी साहब, शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन की, अपने इस गजब से सेशन की। लेकिन इससे पहले बताना चाहूंगा साहब कि 13 जनवरी को महायज्ञ सेकेंड ये भी आने वाला है। एक महायज्ञ अपना पूरा हुआ है, अभी पूर्ण आहुतियां चल रही है, और दूसरा महायज्ञ फिर आने वाला है 13 को सुबह 7 बजे आरएसआर के साथ में। तैयार हो जाना मेरे दोस्तों। और हां जी, इसके अलावा एक बात फिर आपको कहना चाहता हूं कि इस बार जब आप पेपर देकर आते हैं, ठीक है, तो भाई स्पेशली कॉल करके आपको पेपर का जो रिव्यू है वो इन नंबर्स पे देना है। नंबर्स आपके सामने हैं, आपको पेपर का रिव्यू का मतलब पेपर के क्वेश्चन बताने हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। पिछली बार मैं बच्चों से नाराज हुआ क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन कम बताए, और उसका एक रीजन भी था कि बच्चों के साथ में मैं फैमिलियर नहीं था। पिछली बार तो मैं नया था, अब मैं भी थोड़ा पुराना हो गया हूं, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन बच्चों को बताने हैं, याद रखना। बाकी मैथ फिजिक्स के तो आप बताते ही हैं रेगुलर, तो अब इंग्लिश पर भी थोड़ा फोकस करना है और आपको क्वेश्चन बताने ही है, ताकि हम रिव्यू अपनी ओर से दे सके और ये चेक कर सके कि हमने जो पढ़ाया है वहां से कितना क्या हमें आया है, ठीक है। तो लीजिए शुरुआत कर लेते हैं, प्यारी सी शुरुआत। हम तो हमेशा से ही धावक रहे हैं, आज आपने पढ़ा होगा कि हम तो हमेशा से ही धावक रहे हैं, चलो एक दौड़ और सही, आखिरी लेकिन अब तक की सर्वोत्तम। ये सर्वोत्तम दौड़ जीतने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हमारे कदम पीछे नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आना चाहता हूं, बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा। ही वुड रेदर डाई ब्लैंक बैग। ये कह रहा है कि सर वुड रेदर का यूज करते हुए क्या कहना चाहता है कि सर वो मरना ज्यादा उचित समझता है बजाय किसके सर भीख मांगने के, यानी उसे भीख मांगने के बजाय तो मरना ही चाहिए। प्यारे बच्चे, वुड रेदर के साथ में क्या करते हैं बोलो, किसका यूज होगा, देन का होगा कि बट का यूज होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जैसे ही वुड रेदर आता है हमें किसका यूज करना है, प्यारे बच्चों, देन का यूज करना है। किसका सर जी? देन का यूज करना है। मचा दो धूम, क्लास शेयर रुकना नहीं चाहिए। बोलो जी साहब, एच आई एन डी का ऑपोजिट जेंडर बताना है। एच आई एन डी हिंड का ऑपोजिट जेंडर बताओ फटाफट से। हिंड जो है उसका ऑपोजिट जेंडर बता दो। सर हिंड क्या होती है? सर जी हिंड बोलते हैं हम हिरणी को। किसको गुरु जी? हिरणी को बोलते हैं, यानी मादा हिरण होता है। क्या होता है? मादा हिरण होता है। तो सर जो आपका नर हिरण होता है उसे क्या बोल देते हैं? सर स्टेग बोल देते हैं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सर स्टेग हो जाएगा। मचा दी धूम, हां जी बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे। बस ऐसे ही मेरे शेर शेरणियों इस धूम को मचाए रखो। फटाफट से सभी को बुला लो, जो अभी नींद में सो रहे हैं उनको बोल दो कि ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। प्यारे बच्चे देखिए, अनलेस यू आर मोर केयरफुल बताइए ब्लैंक में क्या होगा? यू कैन सक्सीड हो जाएगा, यू विल सक्सीड हो जाएगा, यू कैन नॉट सक्सीड हो जाएगा, या यू शुड सक्सीड हो जाएगा? बताइए सर जी क्या हो जाएगा? बोलो,
फटाफट से जवाब दे दो, मचा दो धूम। अनलेस यू आर मोर केयरफुल, बोलो क्या होगा सर? सर जी बात किसकी हो रही है? सर जी अनलेस की हो रही है। नेगेटिव सेंस देता है? हां जी सर देता है। शर्त क्या रख रहा है कि यदि आप ज्यादा केयरफुल नहीं होते हैं, यदि तुम ज्यादा केयरफुल नहीं होते हो, यानी यदि तुम सावधान नहीं होते हो, तो बेटा जी क्या हो सकते हो? तुम फेल हो सकते हो। यदि सावधान नहीं होते हो तो फेल हो सकते हो। सर ये फेल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ये फेल कर रहा है? नहीं कर रहा। ये फेल कर रहा है? सर जी नहीं कर रहा। तो गुरुजी क्या हो जाएगा? बोलो जी सी ऑप्शन एकदम सही। यदि तुम सावधान नहीं होते हो, यदि इस जागने वाले समय में नहीं जागे मेरे शेर, तो क्या हो जाएगा? यू कांट सक्सीड। अब इसको हिंदी में नहीं बोलूंगा, दिल पे दर्द लगता है साहब ऐसी बातें कहने से। ऐसी बातें मत करो। हां दिल में लगती है सीधी चोटें, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर अब हम केयरफुल हो रहे हैं, केयरफुल हो जाएंगे, हम केयरफुल हो चुके हैं मेरे शेर। चलो मेरे प्यारे बच्चे बताओ सर, एच ई आई आर एयर, एयर का क्या करना है सर? ऑपोजिट जेंडर बताना है। बताओ सर एयर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? सर बोलिए, बोलिए सर क्या हो जाएगा? होस्टेस होगा, ज्यूस होगा, मेयर होगा, या सर हेरेस हो जाएगा? सर जी एयर का मतलब क्या होता है? बेटा जी एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। यदि कोई लड़का उत्तराधिकारी होता है तो क्या कहा जाता है? सर एयर कहा जाता है। एच इसमें साइलेंट रहता है, एच को हमेशा साइलेंट रह के बोला करो। इसके साथ में आर्टिकल फिल करना हो तो एन एयर होगा, याद रखना। ठीक है, ओके गुरुजी। तो सर कोई लड़की उत्तराधिकारी नहीं बन जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं सर? एच ई आई आर ई डबल एस एरेस हो जाती है। मचा दी धूम। हां जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ सर फटाफट से आ जाओ सर। अपना एक फ्रेज आपके सामने आया है, टू शो द व्हाइट फीदर्स। सर व्हाइट फीदर्स दिखाना गुरुजी। हां इसका क्या आंसर होगा सर? बोलो रे बेटा। टू बी फैशनेबल, सॉरी हां टू बी फैशनेबल होगा, टू अज्यूम रॉयल एयर्स हो जाएगा, टू शो साइंस ऑफ कावर्डिस हो जाएगा, या प्यारे बच्चे यहां पर टू कैप्चुलेट हो जाएगा, कैपिचुलेट है सॉरी। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा सर? फैशनेबल होगा, रॉयल एयर्स का अज्यूम होगा, या फिर सो साइंस ऑफ कावर्डिस हो जाएगा, या प्यारे बच्चे टू कैपिचुलेट होगा? बोलो गुरुजी। सर व्हाइट फीदर्स दिखा दिए सर, उसने तो अपने सफेद सफेद पंख दिखा दिए, फटफड़ा के उड़ गया सर। गुरुजी क्या कर रहा है? एक नंबर का डरपोक है सर। कावर्डिस के साइन यानी सर कायरता के संकेत दे रहा है, सर कायरता के संकेत दे रहा है। कैसे संकेत? सर कायरता के संकेत दे रहा है। चलें, चलो गुरुजी आगे आ जाओ फटाफट से। चलो जी सर पीआरएस, पीआरएस का सर ऑपोजिट जेंडर बताओ। देखे पीआरएस का ऑपोजिट जेंडर बताओ। सर जी ये पीआरएस क्या होती है? सर ये पीआरएस क्या होती है? आप ये पीयर से पूछो। क्या? पीयर से पूछो। किससे? पीयर से पूछो। व्हाट इज द मीन ऑफ पीयर? सर पीयर हम कह सकते हैं कि एक राजा किंग होता है गुरुजी। और भाई किंग की घरवाली क्या हो जाएगी? सर पीआरएस हो जाएगी। किंग की घरवाली, सर जो सम्राट होता है उसको पीयर कहते हैं। तो सर इसकी घरवाली क्या हो जाएगी? सर जी पीआरएस हो जाएगी। क्लास को शेयर नहीं किया ना, पाप लग जाएगा डंग वाला, देख लेना। ठीक है, एक बार शेयर शानदार तरीके से। मुझे आने वाले 10 से 15 मिनट में यह लग जाना चाहिए कि आप लोगों में सारे के सारे बच्चे सजीव बच्चे हैं, जिनको कहने की बात समझ में आती है, और जो चाहते हैं कि सर हमें एकदम फोड़ने वाले क्वेश्चन लाके दे दो, फिर फोड़ दो भाई, फोड़ दो। देखे यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए। ब्लैंक यू आर केयरलेस, बोलो गुरुजी क्या है आंसर? फटाफट से बोलो। अनलेस होगा कि अंटिल होगा? बोल मेरे शेर, अनलेस होगा कि अंटिल होगा? अरे सर, ओ सर, इतने इजी क्वेश्चन मत दो हमें। ये इजी नहीं है बेटा, ये इजी नहीं है। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, इसलिए इजी लग रहा है। सर जी क्या हो जाएगा? सर शर्त बताने के लिए अनलेस आता है, क्योंकि गुरु जी अंटिल तो किसका काम करता है? गुरु जी टाइम बताने का काम करता है। और ये अनलेस किसके लिए आता है? सर ये कंडीशन के लिए आता है। समझ गए क्या? हां जी गुरु जी। सर इसका क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला अनलेस यू आर केयरलेस, कि यदि तुम केयरलेस नहीं होते हो, यदि तुम केयरलेस नहीं होते हो, या तुम केयरलेस नहीं हो, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर्स को क्या नहीं करना चाहिए? टच नहीं करना चाहिए, वरना करंट लगेगा। करंट जानते हो क्या? करंट सर करंट होता है। हां वही लगेगा बेटा, देख लेना फिर। चलो जी सर आ जाओ आगे। बताओ सर ऑपोजिट जेंडर किसका? सर ड्यूक का ऑपोजिट जेंडर बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर? ड्यूक, 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 ड्यूक भी क्या होता है गुरुजी? ये भी किसी राजा से कम नहीं होता।
ये भी किसी राजा से कम नहीं होता तो क्या हो जाएगा सर, डचेज हो जाएगा मेरे लाला, क्या हो जाएगा, डचेज हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा सर कुछ क्वेश्चन बीच में दो ऑप्शन वाले ही आ रहे हैं, वहां पर चार लाओ। वैसे क्वेश्चन केवल 10 से 11 क्वेश्चन है जो बीच में कुछ कमजोर बच्चे, जो मेरे जैसे कमजोर भी तो बैठे ना क्लास में, तो उनके लिए हैं, ताकि उन्हें अंटिल अनलेस के बीच में अंतर पता चले, डिफरेंस पता चले, उन्हें देन के बीच में टू के बीच में डिफरेंस पता चले, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस का एक मेथड होता है बेटा, ये करना चाहिए। चलें, चलो सर। तो ड्यूक क्या हो जाएगा गुरुजी, डचेज हो जाएगा, समझ गए। ओके गुरुजी, पक्का समझ गए। चलो फिर इसको बताओ, देखे द वुडन थिंग्स ब्लैंक इन वॉटर, बोलो क्या लिखूं, बोलो फ्लोट लिख दूं, फ्लोट लिख दूं, फ्लोट्स लिख दूं, आर फ्लोटिंग लिख दूं, या फिर नन लिखूं। तू कहे तो चांद तारे तोड़ दूं, तू कहे तो चांद तारे तोड़ दूं, तू कहे तो इस बहती हवा का रुख मोड़ दूं, तू कहे तो इस बहती हवा का रुख मोड़ दूं। अरे जालिम, मुझे धोखा देके तू हंस रही है, यदि अब ज्यादा हंसी ना तो एक ही थप्पड़ में सारे दांत तोड़ दूं, ठीक है। तो भाई हंसने वाली को जवाब दे दो, सिलेक्शन लेंगे पक्का, कोई रोकने वाला नहीं होगा, और उसके बाद तुझे हंसने का मौका नहीं देंगे। बोलो गुरुजी क्या करूं सर। वुडन यानी लकड़ी की चीजें हमेशा ही वॉटर में तैरती है सर, शाश्वत सत्य है सर। प्रेजेंट सिंपल होगा तो सर प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, आर फ्लोटिंग होता है क्या, नहीं होता। बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गुरुजी, होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस भी होता है, हां जी सर होता है। बोलो थिंग्स कैसा सर, प्लूरल है, तो क्या करो सर, प्लूरल वर्ब लगा दो, यानी सर ए ऑप्शन को, ए ऑप्शन को फटाफट से बता दो कि हम धूम मचाने वाले बच्चे हैं, हम धूम मचाने वाले बच्चे हैं। चलो जी सर आ जाओ फटाफट। सर जी आर ओ ई रो का सर ओपोजिट जेंडर बताओ फटाफट, रो का ओपोजिट जेंडर बता दो। बक हो जाएगा, नन हो जाएगा, निम्फ हो जाएगा, या फिर आपका नन, ये नन का मतलब कोई भी नहीं, इस नन का मतलब कोई भी नहीं। बोलो देखें आ रहा है आंसर, हां जी अंदर से निकालो, अंदर से आंसर, अंदर से आने दो। सर रो का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है सर, बक होता है बेटा जी। हां एक बात कहूं, कहो सर, अच्छी बात कहूं कि बुरी बात कहूं सर, अच्छी बात कह दो। ये जो रो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो छोटा आपका खरगोश, जैसे मादा खरगोश होती है, मादा हिरण होता है, उन दोनों के लिए ये रो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सर मादा यानी फीमेल होता है, और बक जो है वो क्या होता है सर जी, आपका इसका मेल जेंडर होता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे, चलो सर अगला क्वेश्चन बताओ सर। टू स्मेल रेट कि सर चूहे की सुगंध आ गई, चूहे की सुगंध आ गई, बताओ रे क्या करें। टू स्मेल हेड स्मेल होगा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट होगा, मिसअंडरस्टैंड होगा, या टू सी हिडन मीनिंग हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चे जवाब दे दो। गुरुजी दे दें, हां जी दे दें, हां जी पक्का पक्का सर, प्रॉमिस प्रॉमिस सर। तो मेरे प्यारे शेर क्या यूज करते हैं सर जी, यहां पर आपका हो जाएगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, यानी सर किसी ट्रिक का, किसी धोखे का यदि हमें पहले ही पता चल जाता है, किसी धोखे का यदि हमें पहले ही पता चल जाता है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बिल्ली को चूहे की सुगंध पहले ही आ जाती है कि दाल में कुछ काला है, और दाल में कुछ काला है को शॉर्ट में क्या लिखते हैं सर, डीएमकेके। ये परीक्षा में नहीं आएगा, ये तो केवल आपको बताने के लिए है। चलें, चलो सर आ जाओ फटाफट से आगे। एस और डब्ल्यू का ओपोजिट जेंडर बताओ सर, एस और डब्ल्यू का ओपोजिट जेंडर बताओ फटाफट से। अरे बच्चों हां ये तो नहीं पढ़ाना पहले गुरुजी, ये नया मामला है, नया मामला मजा देता है। बताओ साहब एस और डब्ल्यू का आंसर बताओ फटाफट से, ओपोजिट जेंडर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 फोड़ दो सर। ये सो होता क्या है, अरे ये होती है सुवरी, क्या होती है सर, सुवरी होती है, यानी सर सुअर की घरवाली होती है ना, वाइफ ऑफ सुअर होती है समझे, हां जी गुरुजी। तो सर सुअर को क्या बोलेंगे, बोर बोलेंगे बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल देंगे सर, बोर बोल देंगे, BOAR। बोर क्या होता है सर, हस्बैंड ऑफ शो होता है, यानी सर सुअरी का मोटियार होता है, पति होता है, हस्बैंड होता है, समझ गए। ओके गुरुजी चले, चलो सर अगला क्वेश्चन बताओ। ये देखो दो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया, और एक रटा रटाया फेमस क्वेश्चन जिसको कोई भी एग्जामिनेशन वाले उठा देते हैं और रख देते हैं आपके सामने, हाँ, और आप उसको गलत करके आ जाते हो, बताओ क्या हो जाएगा। ये क्या है सर, ये प्रोवर्ब है,
ये क्या है सर? ये प्रोवर्ब है। और प्यारे बच्चे, इस प्रोवर्ब में एक वर्ड हमेशा फिक्स होता है, वो क्या है बेटा? वाइल है। क्या कहना चाहता है? कि जिस समय सूर्य की धूप निकली होती है उसी समय हमें घास को सुखाना चाहिए। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जब उचित परिस्थितियां हो तभी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए। किसका यूज होगा सर? वाइल का यूज होगा, मत भूलना, फेमस क्वेश्चन है। चले आगे, चलो गुरुजी आ जाओ सर। ड्रोन का क्या कर दो? ऑपोजिट जेंडर बता दो। हैं? ड्रोन का ऑपोजिट जेंडर बता दो। अरे बता दो कि फेसबुक पे देख चित्र मैंने भी बनाया, मित्र चैटिंग भी खूब करी सेटिंग के चाव से कि वो तो जानू जान बोली मैंने सोचा मेरी। अरे तू इसका जवाब दे दे, ड्रोन का ऑपोजिट जेंडर बता। ड्रोन नहीं आएगा वरना तेरी शादी में। यदि ऑपोजिट जेंडर गलत हुआ तो ड्रोन आएगा ही नहीं। गुरुजी ड्रोन क्या होता है? अरे जो मधुमक्खी होती है ना, हाँ, उसके पति का नाम होता है। मधुमक्खी के पति का नाम ड्रोन होता है, याद रह जाएगा पक्का। ओके सर, तो ड्रोन बुलाना है तो सिलेक्शन लेना है, वरना ड्रोन के सपने देखने पड़ेंगे। पड़ोसियों के ही देखोगे ड्रोन है, और वो ड्रोन ऊपर जाके तेरी फोटो लेगा कि वो बेटा बिना सिलेक्शन लिया हुआ देख, वो बेटा खोपचे में बिना सिलेक्शन के। पढ़ाई चालू कर दे, मेहनत चालू कर दे बेटा, ड्रोन तुझे भी तेरे घर पे ऊपर घुमाना है, पूरे खेत के पूरे गांव के चारों तरफ ड्रोन घुमाना है। ओके चलो गुरुजी बताओ फटाफट। प्लीज लैंड मी योर इरेजर, आई ब्लैंक अ मिस्टेक। बाबू सही जवाब कौन सा है? फटाफट बता, बोलो रे बोलो। प्लीज लैंड मी योर इरेजर, आई ब्लैंक मिस्टेक। कृपया मुझे आपका इरेजर उधार दे दो, क्योंकि मैंने क्या कर दी? गलती कर दी। मैंने क्या कर दी सर? गलती कर दी। मेक आई के साथ में लिखता हूं, इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही गलती करता हूं, हमेशा ही गलती नहीं कर रहा। मेक्स नहीं आएगा सर, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे यहां पर बात आई के साथ में वर्ब की है, और आई जो है वो सिंगुलर वर्ब नहीं लेता। सर हेड लिख दू क्या? क्यों लिख दे? जूते खाने हैं क्या? हैं? जूते खाने हैं? नहीं सर, नहीं खाने। तो मत लिख। क्यों? बात किस में हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है। गुरुजी क्या करें? आई हैव मेड करो सर, डी ऑप्शन को। आई हैव मेड यानी सर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अभी मैं गलती करी है, अभी मैंने गलती करी है, कृपया तेरा इरेजर दे दे, है ना? छोटे थे तो क्लास में बैठ के ही करते यार, दे दे तेरे वाला रबड़, दे दे यार, मैं घर पे भूल गया यार, आज दे दे क्या? तो दे दे यार, दे दे, मैं चॉकलेट खुला दूंगा, देख मैं 1 रुपया लाया हूं मम्मी से चुरा के, है ना? हां जी सर। चलो प्यारे बच्चे ऑपोजिट जेंडर बता दो। नन, नन का ऑपोजिट जेंडर बताओ, नन का ऑपोजिट जेंडर बताओ फटाफट से। नन का ऑपोजिट जेंडर क्वेश्चन नंबर 16 सर क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा फ्रीयर। क्या हो जाएगा सर? फ्रीयर। नन क्या होती है? ये पूजा करने वाली साध्वी टाइप की औरत होती है, और फ्रीयर जो है सर वो क्या होता है? पूजा पाठ करने वाला, जो एक सन्यासी टाइप का जो साधु होता है उसको कहा जाता है। समझ गए? हां गुरुजी समझ गए। आगे चलूं? चलो सर अगला आ जाओ सर। ऑप्शन चॉइस, मैंने कहा था ना ऑप्शन वाली चॉइस की कहानी सुनाई थी, याद करो ऑप्शन वाली चॉइस को। क्या हो जाएगा बोलो? एक्सीलेंट चॉइस होगी क्या? बोलो नो चॉइस एट द, नो चॉइस एट द, बिकॉज देर इज ओनली थिंग टू टेक और डू, ओनली थिंग टू टेक और डू, यानी सर करने के लिए एक ही काम है। चलो सर, चॉइस टू लिव और डाई होगा, या फिर प्यारे बच्चे स्मेल हेड स्मेल होगा। बताओ सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुजी हां, होप्सन जो है ना वो नाव लेके जा रहा था, इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, बीच में पानी समुद्र, वो नाव लेके गया तो सर उसकी नाव जो थी वो यहीं पे उलझ गई, पतवार आगे नहीं जा पाई, इधर दुश्मन आ गए, ऑप्शन थी ही नहीं, ऑप्शन कोई था ही नहीं। क्या हो जाएगा गुरुजी? करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था सर, है ना? ऑप्शन कोई भी नहीं था। चलें, चलो सर आ जाओ, सर आगे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा सर आपका? 18 का जवाब दे दो बुल्लक, 18 का जवाब दे दो बुल्लक, फटाफट से बताओ सर। अरे पीछे वाले में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सी को देखे देखे, चॉइस टू लिव यानी या तो चॉइस होती है जीने की और डाई या मरने की। दूसरा क्या कह रहा है? नो चॉइस एट बिकॉज देर इज ओनली थिंग, देर इज ओनली थिंग टू टेक और डू। इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा बेटा। सी ऑप्शन करो रे इसमें, इसका सी ऑप्शन करना पड़ेगा। चॉइस टू लिव और डाई यानी करो या मरो वाली चॉइस, करो या मरो वाली चॉइस ही होगी ये, इसका सेंस सही नहीं दे रहा ये, ठीक है? तो करो या मरो वाली चॉइस यानी सी करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है? चलो गुरुजी आगे आ जाओ फटाफट से। बी ऑप्शन का कोई सेंस नहीं निकला बेटा, सेंसलेस ऑप्शन बता दिया है ना। चलो सर
आगे आ जाओ फटाफट से, बुल्लक का क्या करना है सर? ऑपोजिट जेंडर, बुल्लक का ऑपोजिट जेंडर बोलो सर, बुल्लक का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? बोलो बुल्लक का ऑपोजिट जेंडर बताओ फटाफट। अरे ऑपोजिट जेंडर बोलो सर जी, क्या हो जाएगा बुल्लक का ऑपोजिट जेंडर? क्वेश्चन नंबर 18 मचा दो धूम सर। ये होता है सर बछड़ा, यानी छोटा जो बछड़ा होता है ना उसको बोलते हैं, जैसे हम सांड का छोटा भाई कह सकते हैं, छोटे छोटे वाला भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? हैफर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये क्या होती है सर? ये होती है बछिया। क्या होती है बेटा? बछिया होती है, बछिया, समझ गए? हां जी, घर पे होगी ना गाय की बछिया छोटी सी, तो यदि वो बछिया है तो उसे हैफर कहेंगे, और बछड़ा है तो सर क्या कहेंगे? उसे बुल्लक कहेंगे बेटा। चलें, चलो सर अगला क्वेश्चन बताओ सर। ही वेटेड फॉर मी ब्लैंक आई केम बैक, बोलो सर क्वेश्चन नंबर आपका 19। ही वेटेड फॉर मी ब्लैंक आई केम बैक, बताओ सर क्या होगा? अंटिल होगा कि अनलेस होगा? सही जवाब देना है बेटा, अंटिल होगा कि अनलेस होगा? गुरुजी 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 क्या करूं? अरे करना क्या है बेटा, वापस आने का किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है कि जब मैं वापस आया उस समय तक की बात हो रही है। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, फॉर मी मेरे लिए, ब्लैंक आई केम बैक कि जब मैं वापस आया तब तक। अब प्यारे बच्चे किसका यूज हो जाएगा सर जी? किसका यूज हो जाएगा? अंटिल। क्यों? क्योंकि सर अंटिल ही टाइम बताता है, अनलेस जो है वो शर्त का काम करता है सर। आगे आ जाओ सर जी, डीओई डो, डो का क्या करना है सर? ऑपोजिट जेंडर। अरे बच्चे हाँ बोल बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 फोड़ दे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा सर? बुलक हो जाएगा, बक हो जाएगा, आश हो जाएगा या हार्ट हो जाएगा? सर अभी थोड़ी देर पहले आर ओ ई आया था, इसका ऑपोजिट जेंडर क्या था सर जी? बक था। तो प्यारे बच्चे यदि डो आ जाए तो सर जी क्या करना है? सर जी हार्ट करना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हां जी सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चले चले सर आगे। बोलो जी प्यारे बच्चे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम ब्लैंक, बोलो क्या होगा? बाइट होगा, बाइट्स होगा, बाइट होगा या हैव बीटन होगा? फटाफट से आंसर दे दो। गुरुजी हमने सेंटेंस को देखा तो हमें पता चला कि ये तो क्या है सर जी, ये तो एक प्रोवर्ब है, और सर प्रोवर्ब है तो यहां पर क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। सर प्रेजेंट सिंपल में डॉग्स क्या हो गए? प्लूरल हो गए। तो सर जी आपका कौन सा नहीं होगा? कोई सा ही नहीं होगा सर, ए ऑप्शन हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस सर। आ जाओ फटाफट से अगला क्वेश्चन बताओ सर। टेम्प्टर क्या है सर? टीईएमपी टीईएमपी टीईआर। टेम्प्टर क्या है सर? टेम्प्टर आपका ऑपोजिट जेंडर। टेम्प्टर का क्या बताओ सर? ऑपोजिट जेंडर बताओ। बताओ वेट्रेस हो जाएगा, गोडेस हो जाएगा, ड्यूक हो जाएगा या टेम्प्ट्रेस हो जाएगा? सर ये टेम्प्टर क्या होता है बेटा? टेम्प्टर एक ऐसा आदमी होता है जो कि दूसरों को बहकाता है, जो कि दूसरों को बहकाता है, यानी बहकाने वाला आदमी। और प्यारे बच्चे आपके पड़ोस में ऐसे बहुत सारे बहकाने वाले आदमी होते हैं जो आपको कहेंगे तेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तू तो एक काम कर ट्रैक्टर लेके आ जा, तू जेसीबी खरीद ले, ऐसा बोलते हैं, नहीं बात माननी उसकी। और उनकी घरवालियां भी यही करती है। कौन? उनकी घरवालियां भी यही करती है साहब, दूसरों को भड़काने का ही काम करती है। वो कौन होती है सर? टेम्प्ट्रेस होती है। कौन होती है सर जी? टेम्प्ट्रेस होती है। चलो जी सर अगला क्वेश्चन। टू रेंगल ओवर एंड असेस शेडो, टू रेंगल ओवर की एंड असेस शेडो। प्यारे बच्चे एंड नहीं है, ये एन है, यहां पर क्या है बेटा? एन है। तो एक गधे की छाया के ऊपर रेंगल ओवर करना, लड़ाई करना क्या हो जाएगा बताओ? देखे टू डू समथिंग फनी हो जाएगा, टू क्वाल ओवर द पोजिशन ऑफ एन आस हो जाएगा, टू वेस्ट टाइम ऑन प्रीटी थिंग्स हो जाएगा, टू क्वाल ओवर ट्रीफल्स हो जाएगा। सर जी सही जवाब दो कि सर गधे की छाया को लेकर लड़ाई कर रहे हो, अरे शर्म करो शर्म। ट्रीफल क्या होता है सर? तुच्छ चीजें। क्या होता है सर? तुच्छ चीजें जो होती है वो ट्रीफल होता है। तो तुच्छ चीजों को लेकर क्या करना सर जी? लड़ाई करना, यही क्या कहलाता है? यही आपका गधे की छाया को लेकर रेंगल ओवर करना कहलाता है, यही आपका गधे की छाया को लेकर लड़ाई करना कहलाता है। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अबॉट, बोलो बेटा। ए डबल बी ओ टी, अबॉट का ऑपोजिट जेंडर, फटाफट से अबॉट का ऑपोजिट जेंडर। क्वेश्चन नंबर 24, अबॉट का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा सर? ये क्या होता है? ये होता है मठाधीश, यानी मठ में जो अध्यक्ष होता है ना उसको क्या बोलते हैं सर? अबॉट बोलते हैं। तो इसकी घरवाली क्या हो जाएगी सर? इसकी घरवाली हो जाएगी सर अबेस। घरवाली का मतलब यदि उस मठ का राजा या उस मठ का जो अध्यक्ष है वो किसी व्यक्ति को बनाया जाए, आदमी को बनाया जाए, तो वो अबॉट, और वहां किसी
किसी औरत को यदि मठ का प्रभार दे दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगी सर? एबेस हो जाएगी। बोलो बात सही है। हां गुरु जी, चले आगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। ट्राई ब्लैंक कम अर्ली, ट्राई ब्लैंक कम अर्ली, बताओ सर क्या होगा? सो होगा, फोर होगा, एंड होगा? बताओ साहब, सो होगा, फोर होगा, एंड होगा? फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से बोलो जी सर। हां जी, फटाफट से बोल दो, जल्दी करो जी, फटाफट से। सर जी बात किसकी करें? सर ट्राई ब्लैंक कम अर्ली, इसका मतलब क्या है कि सर कोशिश करो और जल्दी आओ। सर किसका यूज हो जाएगा? एंड का यूज हो जाएगा। कोशिश करो और जल्दी आओ, क्या करो सर? कोशिश करो और जल्दी आओ। प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे? ट्राई फॉर कम अर्ली, फोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी मेरे लाला, ठीक है? इसीलिए सर जी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फोर क्या है? प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं आती है। तो फिर क्या हो सकता है सर? कमिंग हो सकता था। चलो सर अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। जरीना, 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 जरीना का जेंडर बता दो फटाफट से। बोलो सर ऑपोजिट जेंडर, जरीना का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26, जरीना का ऑपोजिट जेंडर, सर जी दिख रहा है साफ साफ, सी जेड ए आर, ये पढ़ा साहब जार। जार भी क्या है सर? जार एंड जरीना एक दूसरे के ऑपोजिट जेंडर है सर। जार एंड जरीना एक दूसरे के ऑपोजिट जेंडर। चलो अगला बताओ फटाफट से। नाउ अकबर ब्लैंक द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, नाउ अकबर ब्लैंक द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, बताओ सर क्या बनेगा? बिकेम होगा, बिकम होगा, बिकम्ज होगा, या फिर प्यारे बच्चे हेज बिकम हो जाएगा? फटाफट से बताओ। देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है सर? इसको देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सर नाउ का मतलब तो क्या हो गया? प्रेजेंट की बात हो रही है। नाउ का मतलब क्या हो गया सर? प्रेजेंट की बात हो रही है सर। बिकेम पास्ट में गया काम से, अकबर के साथ में एसीआईएस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं प्रेजेंट में। बोलो बिकम सर प्लूरल है, नहीं आ सकता। हेज बिकम सर नाउ के साथ में हेज बिकम आ सकता है क्या? अभी बना है, नहीं हो सकता सर। मतलब ये क्या कहना चाहता है सर? ये हो गया सर आपका हिस्ट्रिकल फैक्ट। कौन सा हो गया सर? सर हिस्ट्रिकल फैक्ट हो गया। हिस्ट्री की बात हो रही है, कहानी की बात हो रही है, और पुरानी जो बातें हैं उनको हम जब लिखते हैं या बोलते हैं तो प्रेजेंट में बोल सकते हैं। कहानी सुनाते सुनाते क्या कहा? और अब अकबर क्या होता है सर? हिंदुस्तान का राजा बनता है, ऐसे उसको प्रेजेंट में बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल में बोला जाता है। इसीलिए सर जी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी सर अब अकबर क्या करता है? हिंदुस्तान का राजा बनता है। प्रेजेंट सिंपल में अकबर के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। चलो प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन में आ जाओ। चूज द ऑपोजिट जेंडर। ज्यू का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा सर? ज्यू क्या होता है सर? यहूदी आदमी। ज्यू क्या होता है सर? यहूदी आदमी होता है। तो इस यहूदी आदमी जो है इसका ऑपोजिट जेंडर बताओ सर जी। क्वेश्चन नंबर 28 फोड़ो देखे क्या हो जाएगा सर? यह गलत लिख रखा है, क्या हो जाएगा? ज्यूज हो जाएगा, यानी जेड ई डब्ल्यू ई डबल एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? जेड ई डब्ल्यू ई डबल एस हो जाएगा। बोलो तैयार हो? हां गुरु जी एकदम तैयार। हां जी सर आ जाओ फटाफट। बोलो जी, बोलो बोलो फटाफट से। बहुत अच्छे। चलो जी सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरेज, कि सर ऊपर वाला स्टोरेज जो है वो एकदम खाली हो ना। प्यारे बच्चे ऊपर वाला स्टोरेज क्या होता है सर? स्टोरेज होता है मंजिल। स्टोरेज क्या होता है सर? मंजिल। तो मंजिल खाने होने का क्या मतलब है? मंजिल खाली होने का क्या मतलब है? फटाफट से बोल दो। देखिए सर जी उसकी तो ऊपर वाली मंजिल खाली है, यानी सर फीबल माइंडेड, दिमाग है ही नहीं, खाली दिमाग है। ऊपर वाली मंजिल खाली है, यानी सर दिमाग ऊपर से क्या है सर? खाली हो गया। यानी सर ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा सर। ऊपर वाली मंजिल खाली हो गई है, ऊपर वाली मंजिल खाली हो गई है सर। क्या हो जाएगा? फीबल माइंडेड। चलो सर जी डी यू सी के डक, डक का ऑपोजिट जेंडर बोलो फटाफट। डक का ऑपोजिट जेंडर बोलो सर, फटाफट से बोल दो। देखिए डक का ऑपोजिट जेंडर, डक का ऑपोजिट जेंडर सर जी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 बोलिए 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 सर। डक क्या होता है सर जी? डक बोलते हैं बत्तख को। डक क्या बोलते हैं बेटा? बत्तख को बोलते हैं। तो ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा सर जी? आपका ड्रेक। ऑपोजिट जेंडर क्या है बेटा? ड्रेक, डी आर ए के ई, ड्रेक हो जाएगा। डक का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है बेटा? ड्रेक होता है, ठीक है? तो डक और ड्रेक को अपने माइंड में रखना बेटा, डक और ड्रेक को अपने माइंड में रखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोश तुम लोगों का हलवेला है भाई। दिस इज द मैन ब्लैंक वॉन्टेड टू सी यू, दिस इज द मैन ब्लैंक वॉन्टेड टू सी यू, बताओ सर क्या हो जाएगा? हु होगा, होम होगा, दैट होगा, या कोई भी नहीं होगा? बोलो फटाफट, बोलो सर। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन ब्लैंक वॉन्टेड टू सी यू,
बैंक वॉन्टेड टू सी यू सर, यह वो आदमी है सर जी, मेन आदमी किसका यूज कर सकते हैं सर, दैट भी हो सकता है, यहां पर होम भी हो सकता है और हु भी हो सकता है, लेकिन दैट कब होता है सर, इसके पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही होती या फिर प्यारे बच्चे इसके साथ में द सेम होता, द ओनली होता, तो सर हम दैट लगा देते, लेकिन यहां पर तो सर मेन खुद ही आ गया, तो दैट तो हटाओ। दूसरी बात सर, वॉन्टेड को क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, तो सर होम आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्या हो जाएगा, हु ऑप्शन आपका यहां पर एकदम सही हो जाएगा सर। मचकई धूम, हां जी गुरु जी, अगले क्वेश्चन में आ जाओ सर। जियंट, जियंट का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा बताओ, देखे जियंट का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस होगा, जियंटेस होगा, लेडी होगा सर, गूज हो जाएगा सर जी, देखने पे साफ साफ ही नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा सर, जियंटेस हो जाएगा। ये क्या होता है बेटा, ये होता है देते, ये क्या होता है देते, यानी सर ये होता है भूत, और ये क्या होती है भूतनी, ठीक है। जियंटेस क्या होती है सर, ये भूतनी होती है, यानी ये देते की घरवाली होती है, देते की घरवाली होती है। चलो साहब अगला क्वेश्चन बताओ, टू एंड टू ब्लैंक फोर, टू एंड टू ब्लैंक फोर, फटाफट से बताओ, देखिए क्या हो जाएगा, मेक एंड मैक्स हो जाएगा, वोज मेक हो जाएगा, मेड हो जाएगा, इज मेकिंग हो जाएगा, बोलो सही आंसर कौन सा है, बोलो रे सही आंसर कौन सा है सर। टू एंड टू गणित का क्या आ गया सर, मैथ का फैक्ट आ गया, और मैथमेटिकल फैक्ट किसमें होता है सर, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो बोलो ये प्रेजेंट सिंपल है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। सर जी ऐसी कैसी बात कर दी आपने, यहां पर आपने सर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही बता दी, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब यह है कि जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आपका मैथमेटिकल फैक्ट लेके आता है तो उसके साथ में आप यहां सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। बोलो आ रहा है क्या कुछ समझ में, या ऊपर से गया मामला, दोनों ही सही है, दोनों ही लिख लो, ठीक है। चलो सर अगला क्वेश्चन बताओ सर, गैंड क्या करना है सर, ऑपोजिट जेंडर बताना है फटाफट से, बताओ हिंड होगा कि फिल्ली होगा कि गूज होगा कि डक हो जाएगा, बता दो फटाफट से। अरे यार थोड़ा सा जोर और लगाओ, थोड़ा सा जोर और लगाओ, बताओ सर क्या हो जाएगा। सर जी इसका होता है गूज, फीमेल क्या होता है सर, गूज, और मेल क्या होता है सर, गैंडर होता है, बात समझ में करना। और सर कभी कभी आपको गूज का प्लूरल क्या होता है सर, गीज भी दे रखा होता है, तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इस गीज को गूज का जेंडर बता देते हैं, गलती मत करना, यह मैं दूसरी बार आपको क्लास में बता रहा हूं। चलो प्यारे बच्चे आइडल अवे, आइडल अवे का बताइए फटाफट से, आइडल अवे का बताइए फटाफट से क्या मतलब हो जाएगा सर। एक वर्ड मैंने आपको बार बार दिया है सर, आइडल, एक वर्ड मैंने आपको दिया है आइडल, आइडल का मतलब क्या होता है सर, आपने बताया था बेकार, सर जी क्या होता है बेकार, आइडल, एक आइडल डबे का क्या मतलब करना सर, आइडल डबे का मतलब चीजों को बेकार करना, यानी सर चीजों को क्या कर देना, वेस्ट कर देना होता है सर जी, क्या कर देना होता है, वेस्ट कर देना होता है, तो बोलो कौन सा हो जाएगा सर, यहां पर आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलो जी सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ देखिए चूज द ऑपोजिट जेंडर, सर जी जेंडर चेंज करो सर जी, क्या करो सर जी, जेंडर चेंज करो फटाफट से, फिली का जेंडर सर, फिली क्या होती है, बोलो रे फिली क्या होती है, बोलो फिली क्या होती है सर, फिली होती है घोड़े की बच्ची, फिल्ली क्या होती है सर, घोड़े की बच्ची, तो घोड़े का बच्चा क्या हो जाएगा सर, कोल्ट हो जाएगा, घोड़े का बच्चा क्या हो जाएगा सर, कोल्ट हो जाएगा, और फिल्ली क्या होती है सर, घोड़े की बच्ची होती है, घोड़े की बच्ची फिल्ली है और घोड़े का बच्चा कोल्ट है। और आपको एक अच्छी बात और बताऊं क्या, हां सर कभी कभी ऐसा होता है जो आपका केमिल होता है ना, हां इस केमिल का जो बेटा होता है, बेटा हां जी सर, केमिल का बेटा, उसको भी क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं, याद रखना, यानी ऊंट के बेटे को भी कोल्ट कहा जाता है, यह बात भी आपको माइंड में रखनी है, ठीक है सर रख लेंगे, ठीक है। और हॉर्स को भी याद रखना है कि सर घोड़े का बच्चा जो है, जो आपका मेल जेंडर होता है वो कोल्ट है और फीमेल आपकी फिल्ली होती है सर। चलो जी सर अगला क्वेश्चन बताओ, वाइज मैन वेलकम एडवाइस, ब्लैंक फूल्स हेट इट, बताओ सर अगला क्वेश्चन बताओ क्या भरे सर इसमें, वाइज मैन वेलकम एडवाइस, ब्लैंक फूल्स हेट इट, क्या कहना चाहता है कि सर जी जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वेलकम, वो स्वागत करते हैं एडवाइस, यानी जब किसी को हम सलाह देते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं सर, स्वागत करते हैं, फूल्स हेट इट, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इससे घृणा करते हैं। तो प्यारे बच्चे किसका यूज करूं सर, यूज कर दो वेयर एज का, किसका यूज कर दो वेयर एज का, सेंस क्या होता है सर, वही सेंस क्या होता है, वही मतलब क्या हो जाएगा सर, वाइज मैन ऑलवेज, सॉरी वाइज मैन वेलकम एडवाइस, कि बुद्धिमान व्यक्ति एडवाइस का स्वागत करते हैं, वहीं पर फूल्स हेट इट, और वहीं पर जो फूल्स होते हैं वो क्या करते हैं सर, इससे घृणा करते हैं सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ऑपोजिट जेंडर बताना है सर, यू, यू का ऑपोजिट जेंडर बताओ, इसको यू बोला जाता है, यू का ऑपोजिट जेंडर बताओ सर जी क्या हो जाएगा, सर यू होती है मादा भेड़,
यू क्या होती है सर? मादा भेड़। तो सर इसका भेड़ा, भेड़ा क्या हो जाएगा सर? रेम। भेड़ा क्या होता है सर? रेम होता है। सही जवाब दे दो, पढ़ाई कर लो, नौकरी लगना है, वरना तो फिर ये दोनों देख लेना। हाँ, इन दोनों को देख लेना भाई, कंडीशन खराब होने वाली है फिर तो। सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है पूरे जिद और जुनून के साथ में लेना है। चले चलो सर, अगला क्वेश्चन बताओ सर। स्लो एंड स्टडी ब्लैंक्स रेस। सर जी फिर से क्या आ गया? सर जी फिर से यहां पर आपका एक प्रोवर्ब आया है, और प्रोवर्ब में यूज किसका करना है सर? स्लो एंड स्टडी विंस रेस होता है, यानी धीरे और आराम से रेगुलर चलने वाला, आराम से लेकिन रेगुलर चलने वाला हमेशा क्या होता है सर? दौड़ को जीतता है। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल आपका विंस हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? विंस। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती क्या करते हैं? वो देखते हैं कि सर स्लो एक सब्जेक्ट, स्टडी दो सब्जेक्ट, एंड से सर जुड़े हुए हैं, एक और एक कितने हो गए सर? ये तो सर दो हो गए। दो का मतलब क्या हो गया कि प्लूरल हो गए, और बच्चे भर के क्या आ जाते हैं? विन भर के आ जाते हैं। भाई विन को मत भरना, विन को मत भरना, वरना मामला गड़बड़, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। यार हमें क्लास लेते हुए हो गए 35 मिनट, 2490 प्लस बच्चे लाइव हैं, लेकिन अभी सारे बच्चे नहीं आए हैं, मतलब क्लास को शेयर नहीं किया है, प्यार के साथ धोखा है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक बार जितने भी बच्चे हैं, एक बार मन से क्लास का शेयर होना चाहिए, लगना चाहिए कि साहब पूरी जिद और जुनून के साथ में अपनी मंजिल तक जाने में लगे हैं। ठीक है? हां जी सर। कि है कौन विघ्न जग में, टिक सके जो आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता नर जब, पर्वत के जाते पांव उखड़। अरे मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। इस बात को साबित करना है मेरे शेरों, इस बात को याद रखना। चलो साहब, एल ए डबल एस लास्ट का क्या करो सर? ऑपोजिट जेंडर बताओ सर। लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लास्ट का मतलब होता है कन्या, यानी कन्या का मतलब क्या होता है सर? लड़की। लड़की का मतलब ये प्रेमिका होता है। क्या होता है सर? प्रेमिका। तो प्रेमी कौन होता है सर? लेड होता है, एल ए डी। कौन होता है गुरुजी? एल ए डी। लेड कौन होता है सर? प्रेमी होता है। लेड कौन होता है सर? प्रेमी होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलो बेटा फटाफट से, लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। बताओ फटाफट से idiom phrase का मतलब क्या होगा? idiom phrase का मतलब बताओ, लुक बिफोर यू लीप का क्या मतलब हो जाएगा? थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन होगा, सी बिफोर यू जंप होगा, सी केयरफुली एंड देन जंप होगा, एक्ट केयरफुली होगा। बोलो सर जी क्या हो जाएगा? सर हां एकदम इजी है। अरे कैसे पता चला इजी है? सर जी देखो कि सर लीप का मतलब क्या होता है? छलांग मारना। लीप का मतलब क्या होता है सर? छलांग मारना होता है। तो सर छलांग मारने से पहले देखो, मतलब कोई भी काम करते हो उससे पहले विचार करो, पहले सोचो फिर काम करो, यानी सर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थिंक केयरफुली, सावधानी से सोचो, बिफोर टेकिंग एन एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले सावधानी से क्या करो सर? विचार करो सर जी, सोचो। चलो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन। सर जी ही डज ब्लैंक, ही इज टोल्ड टू डू। बताइए सर फटाफट से क्या हो जाएगा? ही डज, वो करता है, ब्लैंक ही इज टोल्ड, जो उसे कहा जाता है टू डू करने के लिए। बताओ सर जी क्या हो जाएगा? बताइए वो क्या करता है सर? यहां सेंस तो ऐसा निकल रहा है कि जो भी उसे करने के लिए कहा जाता है वो करता है। तो प्यारे बच्चे जो भी, प्यारे बच्चे जो भी सर, जो भी का सेंस देने के लिए क्या हो जाएगा? वॉट एवर हो जाएगा सर। जो भी का सेंस देने के लिए क्या हो जाएगा सर? वॉट एवर। ठीक है, आगे बात समझ में? हां जी। और जो भी कोई आदमी है तो क्या हो जाएगा सर? एक आपका हु एवर भी होता है, एक आपका हुम एवर भी होता है। जहां कहीं भी मतलब क्या होता है सर? वेयर एवर होता है। बातों को समझने की कोशिश करना। चलो सर जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, ही वॉज गिवन अप। बोलो बेटा इसमें क्या होगा? देखे, ही वॉज गिवन अप में क्या होगा? टू स्मोक होगा, स्मोकिंग होगा, स्मोक होगा, या फिर प्यारे बच्चे कुछ भी नहीं होगा। बोलो फटाफट से, गिवन अप के आगे क्या करूं सर जी? ही वॉज गिवन अप, बताओ क्या हो जाएगा? सर जी मैंने देखा, क्या देखा सर? सेंटेंस को देखा तो मुझे गिव अप दिखा। बेटा जी गिव अप में अप क्या है? गिव अप में जो अप है वो क्या है सर जी? अप यहां पर मुझे तो प्रेपोजिशन लग रहा है जो कि सर गिव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि सर आपको किसकी जरूरत है सर जी? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। बोलो ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है सर? वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन सकता है, स्मोकिंग हो जाएगा सर। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बन सकता है सर जी। क्या हो जाएगा? स्मोकिंग हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। आगे चले सर, टू फाइट टूथ एंड नेल, कि सर नाखूनों से लड़ना सर जी, दांतों से लड़ना। दांतों से लड़ने का मतलब जानते हो? हमारे यहां पर आप जहां बोलते हो सर दांतों से काट लिया, हमारे यहां पर बोलते हैं बटका भरना।
ठीक है। हां जी सर, तो भाई दांतों से भी लड़ना और नाखूनों से भी लड़ना, इसका क्या मतलब है? मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल एफर्ट टू विन, या फिर प्यारे बच्चे टू फाइट हीरोइकली हो जाएगा, टू फाइट अ विनिंग बैटल हो जाएगा, या फिर लॉसिंग द बैटल। मतलब क्या होगा कि सर वो ऐसा लड़ा कि उसने हाथों से दांतों से सब कुछ, सारे जो उसके पास हथियार थे सब अपना लिए। मतलब सर मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल एफर्ट, जितना उससे एफर्ट हो सकता था उसने उतना लगाने की कोशिश करी। सर जी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा सर। चलें, चलो गुरु जी अगला बताओ। आई रीड द बुक, आई रीड द बुक ब्लैंक, आई वॉज इन हॉस्पिटल। सॉरी, अब यहां पर ये रीड नहीं है, रेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर? रेड बोला जाएगा। आई रेड द बुक, मैंने किताब को पढ़ा। ब्लैंक, आई वॉज इन हॉस्पिटल, यानी जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैंने किताब को पढ़ा। बताओ क्या हो जाएगा गुरु जी? बिकॉज होगा कि इफ होगा कि वाइल होगा? बोलो बोलो कौन सा सही होगा? अरे सर ऐसी बात है क्या? हां जी सर ऐसी बात है। मतलब क्या हो गया सर? मतलब टाइम की बात हो रही है, जिस समय हॉस्पिटल में था सर जी क्या हो जाएगा? वाइल का यूज हो जाएगा। बोलो किसका यूज हो जाएगा? सर वाइल का यूज हो जाएगा कि जिस समय वो हॉस्पिटल में था तब क्या करी सर उसने? किताब पढ़ी थी। चले चलो सर, दिस बुक ब्लैंक 120 पेजेस, बताइए क्या हो जाएगा? कंटेंट हो जाएगा, कंटेंस हो जाएगा, इस कंटेनिंग हो जाएगा, या प्यारे बच्चे कंटेन हो जाएगा? दिस बुक ब्लैंक 120 पेजेस, आंसर दीजिए। कंटेंट होगा, कंटेंस होगा, इस कंटेनिंग होगा, या प्यारे बच्चे कंटेन हो जाएगा? बोलो क्वेश्चन नंबर 46। सर जी इसको देखने पे क्या लग रहा है कि सर इस किताब में 120 पेज हैं? मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या हो जाएगा गुरुजी? कंटेंस, यानी बी ऑप्शन की मचा दो धूम। बी ऑप्शन की सर मचा दो धूम क्या हो जाएगा? सर जी बी ऑप्शन हो जाएगा, कंटेंस हो जाएगा। बुक क्या है? सिंगुलर के साथ में क्या हो जाएगा सर? आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। बोलो रे बात समझ में आई क्या गुरुजी? आ गई। चले बेटा, चलो जी सर, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, बताओ सर फ्रेज का मतलब बताओ। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब बताइए फटाफट से मेरे शेरों। सर जी क्या हो जाएगा? टू बी लकी होगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग हो जाएगा, या फिर प्यारे बच्चे टू विन अ प्राइज हो जाएगा, या टू टेक द गिफ्ट हो जाएगा? सर जी सही आंसर दे दो। अरे प्यारे बच्चे गैप का मतलब क्या होता है? सर गैप का मतलब होता है बकबक करना। क्या होता है सर? बकबक करना। तो भाई बकबक कौन करता है? जिसके पास में बोलने की कुछ ज्यादा ही एबिलिटी होती है। यानी सर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। गैप का मतलब सर बकबक करना होता है, इसलिए मेरे प्यारे शेरों क्या हो जाएगा जी? सर बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो बेटा अगला क्वेश्चन बताओ। मेनी ऑफ अस कैन रीड इंग्लिश, ब्लैंक कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ओहो क्या बात है, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। मेनी ऑफ अस कैन रीड इंग्लिश, ब्लैंक कैंट कांट स्पीक इंग्लिश, कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं? इंग्लिश को पढ़ तो सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते सर? बोल नहीं सकते सर, विरोधाभास है सर जी। यहां पर क्या हो गया सर? कॉन्ट्रास्ट हो गया। और कॉन्ट्रास्ट के लिए किसका यूज करते हैं सर? बट का यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट के लिए किसका यूज करते हैं सर जी? बट का यूज करते हैं। मचा दी ना धूम, बस ऐसे धूम मचाते रहो सर। आ जाओ सर जी, दिस वाइंड ब्लैंक द कैंडल, दिस वाइंड ब्लैंक द कैंडल, बताओ सर ब्लू अवे होगा, ब्लो अवे होगा, ब्लू आउट होगा, या ब्लोन आउट हो जाएगा? फटाफट से आंसर दे दो सर। दिस वाइंड ब्लैंक द कैंडल कि सर ये जो हवा है ना, इस हवा ने क्या कर दिया कि ए हवा जरा रुक के चल, ए हवा जरा रुक के चल, अभी मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूं, ए हवा जरा रुक के चल, अभी मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूं। और यदि तू नहीं भी रुकना चाहती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा और फिर देखना तू यदि चलती है कि नहीं चलती, उसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बोलो गुरुजी, कैंडल को बुझा दिया वाइंड ने, हवा ने। तो प्यारे बच्चे क्या करें? बुझाने को क्या बोलते हैं सर? बुझाने को बोलते हैं क्या सर? ब्लो आउट करना। बुझाने को क्या बोलते हैं सर? ब्लो आउट करना बोलते हैं। तो गुरुजी क्या करें? यहां पर तो ब्लो आउट है ही नहीं, प्रेजेंट सिंपल ब्लोज आउट भी नहीं है, तो गुरुजी क्या करें? बोलो ये दोनों अवे वाले तो गए काम से, अवे वाले तो गए काम से, केवल दो बच्चे सर, ब्लू आउट बचा और अपना क्या बचा सर? ब्लोन आउट बचा। सर ब्लोन आपकी थर्ड फॉर्म है, मतलब सर हेज हैव हेड के साथ में आती है। तो बच्चे क्या करें? केवल और केवल सी ऑप्शन अपने पास में सही बचा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में, कि दिस वाइंड ब्लू आउट द कैंडल, कि इस हवा ने कैंडल को क्या कर दिया सर? बुझा दिया।
चलो प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन में, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू बेटा मतलब क्या हो जाएगा, टू इनवाइट द डेविल हो जाएगा, टू गिव क्रेडिट इवन टू अ नोटोरियस पर्सन हो जाएगा, टू हेल्प द नोटोरियस पर्सन हो जाएगा, या टू गिव एनकरेजमेंट टू डेविल हो जाएगा। सर जी सर जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 50 धूम मचा देगा, बोलो कौन सा आंसर लिखूं, बोलो रे कौन सा आंसर लिखूं। सर जी कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, यानी सर डेविल यानी जो बुरा आदमी है, डेविल का मतलब जो बुरा आदमी है सर, उसको भी उसका बकाया दे देना, उसका जो बकाया है उसको भी दे देना, मतलब सर कोई भी नोटोरियस पर्सन है, कोई बदमाश पर्सन है, उसको भी क्या देना सर, क्रेडिट देना, किसी नोटोरियस पर्सन को भी क्या देना सर, क्रेडिट देना, बच्चे उसी को क्या बोलेंगे, टू गिव द डेविल हिज ड्यू बोलेंगे। बोलो आगे चलो, चलो सर बोलो जी सर, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मेनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम, बताओ सर जी क्या हो जाएगा, ऑल्दो का यूज होगा, हाउएवर का यूज होगा, बिकॉज का यूज होगा, या प्यारे बच्चे डिस्पाइट का यूज होगा, अब बताओ सर। सर जी हां बच्चे कोशिश कर रहे हैं क्या करने की, आंसर देने की, लेकिन बीच में दिक्कत हो रही है, क्या सर लाइक वाले बटन में करंट आ रहा है, बच्चे दबा नहीं सकते, एक बार कम से कम लाइक का बटन तो दबाना चाहिए ना, एक बार लाइक वाले बटन पर भी थोड़ा सा लाइक वाले बटन पर भी प्यार दिखा दो, और हां शेयर वाले पे तो प्यार दिखाना ही है। बताओ साहब, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम, कि सर जो पीसीएम है ना, जो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स है, वो महंगे हैं, वो क्या हैं, महंगे हैं, और इसीलिए प्यारे बच्चे इंडस्ट्रीज जो है ना वो हेजिटेट हो रही है, उनको क्या करने में सर, अडॉप्ट करने में हेजिटेट हो रही है। तो प्यारे बच्चे जीडी के सेंस में कौन आ जाएगा, सर जी आपका बिकॉज जो है वो सेंटेंस में यूज हो जाएगा, क्या बिकॉज यानी क्योंकि ऐसा है, क्या कह रहा है, क्योंकि 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 वो महंगे हैं इसीलिए ये नहीं खरीद रहे, ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी आपका सही हो जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी प्यारे बच्चे सेंटेंस की शुरुआत क्योंकि से करनी होती है, ऐसी कंडीशन में हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं सर, एज और सिंस का यूज करते हैं, किसका बाबू, एज और सिंस का यूज करते हैं, अपने पास ऑप्शन नहीं था इसीलिए अपने मजबूरी में क्या लगाना पड़ा, बिकॉज लगाना पड़ा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मान लो इसमें सिंस होता तो हम किसका यूज करते, सिंस का यूज करते सेंटेंस की शुरुआत में बेटा, चले चलो सर अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। 52 बताओ, देखिए, नो सूनर डिड द ट्रेन ब्रेक एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टुवर्ड इट, बताओ सर फटाफट से अगला क्वेश्चन, बोलो फोड़ो फटाफट से, बोलो देखें, बोलिए फटाफट से, बोलो 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 फटाफट से बोल दो। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें दूसरे गुरुजी ने ऑल्दो बताया था, बेटा ऑल्दो देते ही इसका सेंस क्या निकल रहा है, ऑल्दो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, कि हालांकि जो पॉल्यूशन जो आपके मेजर्स हैं वो क्या है, महंगे हैं, फिर भी हेजिटेशन हो रहा है, हालांकि का सेंस नहीं निकल रहा। यदि यहां पर ऐसा होता कि वो हेजिटेट नहीं हो रहे हैं, वो खरीदना चाहते हैं, महंगे हैं फिर भी खरीदना चाहते हैं, तो आपका दो हो जाता या ऑल्दो हो जाता, अब नहीं होगा, अब तो बिकॉज ही सही है बेटा, ठीक है। चलो सर जी बताओ फटाफट से, नो सूनर डिड द ट्रेन ब्लैंक एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टुवर्ड इट, बताओ फटाफट से फटाफट से फटाफट से। सर देखो क्या, नो सूनर आगे डिड, अब क्या होगा सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, कहां सर, ए ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म है, बाकी सारी की सारी गलत हो गई, बोलो कौन सा आंसर, सर ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया, क्यों, नो सूनर के साथ में वर्ब का इन्वर्जन, डिड पहले आ गया सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है मेरे लाला। चलो सर जी, टू हैव अ जॉन्डिस्ट आई, बेटा जॉन्डिस्ट का क्या मतलब होता है सर, पीलियाग्रस्त, जॉन्डिस्ट का क्या मतलब होता है सर, पीलियाग्रस्त, तो किसी व्यक्ति की आंख पीलियाग्रस्त होना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सर जी यह होता है कि उसको केवल अपने ही लोग दिखाई देते हैं, यानी वो पक्षपात करता है, और पक्षपातपूर्ण जो बात होती है उसके लिए क्या होता है सर, प्रीजुडिस्ट होता है, यानी ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। हां जी सर, पक्षपातपूर्ण के लिए यह हो जाएगा, यानी किसी की आंख जो है वो पीलिया से ग्रस्त हो गई, मतलब वो क्या करता है सर, वो पक्षपात करता है, यानी प्रीजुडिस्ट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा सर, प्रीजुडिस्ट हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ, रेशियल वॉयलेंस यानी जो नस्लीय हिंसा है, इरप्टेड, वो भड़क उठी थ्रू द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैंक,
ब्लैंक के बाद में लिख रहा है मार्टिन लूथर किंग वॉज असैसिनेटेड इन अप्रैल, कि अप्रैल में जो आपका मार्टिन लूथर किंग था उसकी क्या हो गई, मौत हो गई थी। तब क्या हुआ सर, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका में रेशियल वायलेंस जो थी वो भड़क उठी। बताओ सर क्या होगा, वाइल होगा, फोर होगा, बिकॉज होगा या फिर वेन हो जाएगा। फटाफट से फटाफट से फटाफट से सर जी, डाबाचू करने वाला क्वेश्चन है, डाबाचू करने वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्या है सर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां पर भी क्या है सर, वॉज प्लस असैसिनेटेड का मतलब क्या हो गया सर, पास्ट सिंपल है। क्या है सर, पास्ट सिंपल। तो बेटा पास्ट सिंपल, दोनों टेंस पास्ट सिंपल किसका यूज हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन, यानी सर जी क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, कि जब ऐसा हुआ था तब वैसा हुआ था, यानी जिस समय मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई तब क्या हुआ सर, वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो नस्लीय हिंसा थी वो भड़क उठी बेटा। चलें, चलो गुरुजी आगे आ जाओ सर, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ। देखिए मच ब्लैंक सिंस देवर हियर लास्ट, बताओ गुरुजी, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, मच ब्लैंक सिंस देवर हियर लास्ट, बताओ सर क्या होगा, हैज हैपेंड होगा, वॉज हैपेंड होगा, वुड हैपन होगा या हैव हैपनिंग होगा। एक ऐसा लॉजिक, एक ऐसा लॉजिक जो मैं जिस लॉजिक से बहुत प्यार करता हूं, जिससे एयरफोर्स बहुत प्यार करती है, जिससे मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, वो लॉजिक यहां पर आया है। देखते हैं देखिए कौन सा वो बच्चा है सर जो इसका सही जवाब दे देगा। सर जी हां, क्वेश्चन नंबर 55 है ना, हां जी सर है, हमें देखना पड़ेगा गुरु जी क्या लिखा है सर यहां पर, सिंस और ये क्या है सर, वर, इसका वर का क्या मतलब है सर, वर यहां पर मेन वर्ब के रूप में आया है, टेंस कौन सा है सर, अभी वर जो है सर वो पास्ट सिंपल बता रहा है। क्या प्यारे बच्चे, पास्ट सिंपल। और बेटा मैंने आपको एक लॉजिक बताया था क्या, कि सिंस के साथ में यदि पास्ट सिंपल आता है, सिंस के साथ में यदि पास्ट सिंपल आता है तो यह काम किसका करता है सर, पॉइंट ऑफ टाइम का काम करता है। किसका बच्चे, पॉइंट ऑफ टाइम का काम करता है। तो टेंस इसके साथ में कौन सा आएगा सर, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कौन सा गुरुजी सर, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। श्री किशन सर ने बहुत बार यह बताया, यानी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझे, हां गुरु जी, चले आगे। चलो सर लॉइंस शेयर, बोलो सर लोइंस शेर, बैठना नहीं है, थकना नहीं है, और हां अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। एक घंटा हमें हो चुका है ना, 52 मिनट्स हुए हैं, 56 क्वेश्चन है और हमें 120 मिनट्स जो हैं वो पूरे करने हैं, याद है ना आपको। हां जी, लोइंस शेर का क्या मतलब हो गया, कि सर जानवरों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है सर, शेर का होता है, और ये शेर सामने है। इस बार जो एयरफोर्स की परीक्षा में बैठेंगे तो सबसे बड़ा मेजर पार्ट कौन लेके आएंगे, हमारे शेर लेके आएंगे साहब। इस बार एयरफोर्स की भर्तियों में मेजर पार्ट किसका होगा, आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया कि मेरे शेर शेरणियों को हरा देगा साहब, क्योंकि ये लॉयंस शेयर के साथ में काम करते हैं सर। आ जाओ जी सर, आगे आ जाओ। मिस्टर खान हेड बीन इल फॉर 2 months, ही लॉस्ट हिज जॉब, बताओ बेटा फटाफट से, जल्दी से आंसर दे दो सर क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलिए। मिस्टर खान हैड बीन इल फॉर 2 months, ही लॉस्ट हिज जॉब, देखिए सर कि वो 2 महीने से बीमार था और इसीलिए क्या कर दिया सर, उसने अपनी जॉब खो दी। यानी सर वो कहना चाहता है क्योंकि मिस्टर खान क्या थे, 2 महीने से बीमार थे, इसी कारण उनकी जॉब चली गई। सर क्योंकि का सेंस कौन देता है सर जी, सेंटेंस की स्टार्टिंग क्योंकि के सेंस में बिकॉज की जगह कौन आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, यानी सर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी आपके बता के आपको बता के आया था सर जी क्या है, सिंस हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलें, चलो सर अगले क्वेश्चन पे। लेकिन यार बीच में एक बात कहना चाहता हूं, 2500 बच्चे क्लास में हैं, यदि आप चाहो तो इस 2500 बच्चों की संख्या को कहां तक लेगा सकते हो, मैं मुंह से बोल तो नहीं पाऊंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं, लेकिन एक बार मुझे आप 2553 जो बच्चे लाइव होना, इनका एक जोश और जुनून देखने को चाहिए। एक बार मुझे आप अपना दम दिखा दीजिए कि सर आप में इतना दम यदि है तो हमारे अंदर भी संख्या देख लो इतना दम है। एक बार मुझे आपका दम दिखा दीजिए दिल से, ठीक है। चलो सर आ जाओ, हर बच्चा ईमानदारी से ये काम करेगा जो मैंने कहा है। चलो सर जी,
सी ब्लैंक द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट. देखिए सर, सी ब्लैंक, बेटा सी के साथ में क्या यूज हो सकता है, बोलो वोज हो सकता है. सी वोज चूजन का तो क्या मतलब हो जाएगा कि इस लड़के को किसी दूसरे ने चूज किया, इंपॉसिबल. आईएनजी आ सकता है डायरेक्ट? नहीं सर, बिना वर्ब के नहीं आ सकता. चूजन थर्ड फॉर्म आ सकता है? नहीं सर, बिना वर्ब के यह भी नहीं आ सकता. तो क्या हो जाएगा सर? ए ऑप्शन, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई. सी चूज, यानी उसने चूज किया द बेस्ट एप्पल, सबसे अच्छा एप्पल फ्रॉम द बास्केट. कहां से सर? बास्केट से. कहां से बेटा? बास्केट से. चलो प्यारे बच्चों आगे आ जाओ फटाफट से. 59 नंबर का बता दीजिए, टू ईट एन हम्बल पी. टू ईट एन हम्बल पी का आंसर दीजिए फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ सर, फटाफट से बता दो. और हां मैंने कहा था ना क्या कि पूर्ण आहुति में एक आहुति अपनी ऐसी भी होगी जिसमें मैं आपको पैसेज भी कराऊंगा, जिसमें आपके पीक्यूआरएस भी कराऊंगा. आज अपनी पहली आहुति है, आज मैं पैसेज और पीक्यूआरएस नहीं कराऊंगा, लेकिन अगली आहुति में आपको पैसेज और पीक्यूआरएस भी मिल जाएगा. इसलिए विश्वास करके क्लास में रहना है, इस बात को याद रखना. जो कहा है वो करूंगा भी बेटा, दोनों चीजें करवाऊंगा. इसका आंसर दे दो सर. टू ईट अ हम्बल पी, इसका क्या मतलब है कि सर विनम्रता वाली कचोरी खाने का क्या मतलब है, यानी सर माफी मांगने से संबंध रखता है. ए ऑप्शन हो जाएगा सर. टू हैव टू अपलोगाइज हो जाएगा, टू हैव टू अपलोगाइज हो जाएगा, यानी सर ए ऑप्शन आपका सही. आगे आ जाओ सर. यू आर अनेबल टू पे द फीस, तुम फीस देने में अनेबल हो. योर नेम विल बी स्टक आउट, तुम्हारा नेम जो है वो स्टक ऑफ कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द स्कूल रजिस्टर से. अब बताओ सर जी क्या हो जाएगा? टिल हो जाएगा, वेन हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, या सर वाइल हो जाएगा? सर फिर से वही बात आ रही है, फिर से वही बात आ रही है, क्योंकि तुम फीस देने में क्या हो, असमर्थ हो, इसीलिए स्कूल रजिस्टर से तुम्हारा नाम क्या कर दिया गया है, ये यानी हटा दिया गया है. बाबू बात को समझना. क्या गुरुजी? कि सर अब यहां पर फिर से सेंस आ जाएगा. किसके सेंस में सर? क्योंकि के सेंस में. किसके सेंस में मेरे सर? सर क्योंकि के सेंस में फिर कौन आ गया? सिंस, जो हमें क्या कह रहा है कि क्योंकि ऐसा था इसीलिए ऐसा हुआ बेटा. चलो गुरुजी आगे आ जाओ सर. अगला क्वेश्चन बताओ. ही ब्लैंक टू द टीचर, ही ब्लैंक टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क. बताओ सर, बताओ क्या हो जाएगा? सर जी हाँ, ये क्वेश्चन तो घुमा रहा है सर, ये क्वेश्चन तो घुमा रहा है, ये तो हमारी बेइज्जती भी करवा सकता है. बच्चे एक बात कहूं, हां सर दो तीन चीजें लिखूंगा, फटाफट से हर एक चीज को देखते रहना. हां सर लिखो. एक लिखूंगा LIE, दूसरा भी लिखूंगा LIE, तीसरा लिखूंगा बेटा ले. सुनो मेरी बात को, इसकी सेकंड फॉर्म लिख दिया ले, इसकी सेकंड फॉर्म मैंने लिख दिया सर LIED, ठीक है. इसकी सेकंड फॉर्म लिख दिया क्या गुरुजी आपका? LAID. सर जी इसकी थर्ड फॉर्म मैंने लिखी LAIN. सर इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने लिखी LIED. इसकी सेकंड फॉर्म मैंने, थर्ड फॉर्म क्या लिखी सर? LAID. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. इसका मतलब होता है सर लेटना. क्या होता है? लेटना. इसका मतलब होता है बेटा झूठ बोलना. क्या रे मेरे लाल? सर झूठ बोलना. इसका मतलब होता है सर लिटाना. क्या होता है सर जी? लिटाना. बोलो सही कौन सा है यहां पर? सर वो अपने टीचर से क्या करता है? झूठ बोलता है. तो झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म लाओ. ही के साथ में ले नहीं हो सकता, क्योंकि ले यदि प्यारे बच्चे सेकंड फॉर्म में आता है तब तो मतलब हो जाता है लेटा. यानी वह लड़का लेटा क्या अपने टीचर के सामने? नहीं लेटा सर, नहीं लेटा सर. लाइंग सेंस ही नहीं है सर. लेड यानी सर उसने अपने टीचर को लिटाया क्या? ही लेड टू टीचर, उसने टीचर को लिटाया? नहीं सर, यह भी नहीं हो सकता. ही लाइड सर, उसने झूठ बोला. उसने क्या किया सर? उसने झूठ बोला अपने टीचर के सामने. सर जी क्या कर दिया? झूठ बोल दिया. इसीलिए सर जी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. बोलो बात समझ में आ रही है? हां गुरुजी पक्का, प्रॉमिस वादा. हां जी सर. चलो प्यारे बच्चे आगे आ जाओ फटाफट से. बोलो जोश के साथ में राइजिंग स्टार. आप मेरे राइजिंग स्टार हो, आप सभी मेरे राइजिंग स्टार हो. बोल दो फटाफट से, जल्दी करो, देखिए धूम मचा दो. हां जी सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. राइजिंग स्टार, फटाफट से आंसर दो राइजिंग स्टार का. कम इनटू प्रोमिनेंस हो जाएगा, टू राइज अबव द मून हो जाएगा, शाइनिंग स्टार हो जाएगा, या डार्क स्टार हो जाएगा. सर जी क्वेश्चन नंबर 62, सही जवाब क्या होगा? सर कम इनटू प्रोमिनेंस, यानी सर शोहरत में आ जाना. किसमें आ जाना? शोहरत में आ जाना, यानी सर थोड़ी सी लाइफ स्टाइल का चेंज हो जाना और दुनिया आपको सलाम ठोकने लग जाए ना, ऐसी कंडीशन में आ जाना. प्यारे बच्चे राइजिंग स्टार बनना है तो क्या करना पड़ेगा? माई राइजिंग इंडिया के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी.
चलो सर अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ब्लैंक देर इज लाइफ देर इज होप, फिर से क्या है बच्चे, एक प्रोवर्ब है। फिर से क्या है सर, एक प्रोवर्ब है, ब्लैंक देर इज लाइफ देर इज होप। बताइए सर क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर दे दीजिए, किसका यूज हो जाएगा, किसका यूज हो जाएगा। सर जी हम दौड़े और हमने देखा कि जब तक जीवन है तब तक आशा है, जब तक जीवन है तब तक आशा है, सर किसका यूज हो जाएगा, सी ऑप्शन व्हाइल देयर इज लाइफ, कि जब तक यहां जीवन है तब तक हमें होप है, हमें आशा है कि इस बार नहीं तो इस बार फोड़ के रहेंगे साहब, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई कैन स्पीक ब्लैंक इंग्लिश सो आई अंडरस्टैंड सम पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ओहो क्या बात है, आर्टिकल का यूज करना है मेरे सर, आर्टिकल का यूज करना है। बोलो सर, एक घंटा पूरा हो चुका है, 64th क्वेश्चन के ऊपर हूं, यानी एक मिनट में एक क्वेश्चन से भी ज्यादा का एवरेज दे दिया गा। एवरेज अपनी गाड़ी खूब देती है, एवरेज अपनी गाड़ी खूब देती है, ठीक है ना। इसका सबको पता है कि सर श्री किशन सर वाली गाड़ी एवरेज अच्छा देती है, क्योंकि सर देखो 64 क्वेश्चन करा दिए 60 मिनट में, समझ रहे। हां गुरुजी, अब क्या हो जाएगा सर, यानी आर्टिकल नहीं होगा, नहीं होगा क्या हो जाएगा सर, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्पीक किसको करते हैं, लैंग्वेज को करते हैं, और लैंग्वेज के नाम के साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लैंग्वेज के नाम के साथ में किसी आर्टिकल का यूज मेरे प्यारे बच्चे सर नहीं होता, तो बताइए टू बी इन डीप वॉटर का मतलब, टू बी इन डीप वॉटर का मतलब बताओ फटाफट, टू बी इन डीप वॉटर का मतलब बताइए। टू बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा, टू हैव प्लेंटी ऑफ मनी हो जाएगा, या माइटी पावर हो जाएगा। सर डीप वॉटर में होने का क्या मतलब है सर जी, डूब जाना, और डूब जाने का मतलब सर जी किसमें हो जाना, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हो जाना सर, कर्जे में डूब जाना, डीप वॉटर में डूब जाना यानी कर्जे में डूब जाना। ऐसे याद कर लो कि जो व्यक्ति कर्जे में डूब गया फिर वो जाके डीप वॉटर में ही डूबता है, सर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलें, चलो सर आगे बढ़ते हैं। चलो जी कि कदम कदम बढ़ा के हम सफर पे चलते जा रहे, कि कश्तियां चला चला भंवर के पार जा रहे, छू रहे हैं आसमां इरादे मेरे शेरों के, कि तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे, तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे। आ जाओ सर फटाफट से, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ब्लैंक यू आर टिमिड, फिर से वही क्वेश्चन, बस चेंज कर दिया क्वेश्चन को, लॉजिक वो का वो, प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा सर जी, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें करंट के तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, यदि तुम केयरलेस नहीं हो तो तुम्हें करंट के तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्या वो लॉजिक नहीं है गुरुजी, वही लॉजिक है। तो शर्त बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए क्या आ जाएगा सर, कंडीशन कौन बताएगा गुरुजी, अनलेस बता देगा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस यू आर टिमिड, कि यदि तुम टिमिड नहीं हो, यदि तुम डरपोक नहीं हो तो तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सर। चले चलो गुरु जी आ जाओ सर फटाफट से, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ ब्लैंक रेडियो, आई हैज बिकम इरेटिक अगेन। बोलो सर फटाफट से, इट हैज बिकम इरेटिक अगेन, बोलो सर बोलो, बोलो रे, अरे जवाब दे दो यार, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ रेडियो, रेडियो के साथ में कौन सा आर्टिकल लगाएंगे गुरुजी, एक बात बताऊं, मैंने कहा हां बेटा बताओ, बोले सर रेडियो के साथ में है ना आर्टिकल तो लगाएंगे, मैंने कहा कौन सा आर्टिकल, बोले सर आप लगा दीजिए द रेडियो, क्या लगा दे सर, द रेडियो, क्या लगा दो सर, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो हो जाएगा, ठीक है आ जाएगी बात समझ में, हां जी गुरुजी पक्का प्रॉमिस, ओके गुरुजी। चलो सर फटाफट से अगला क्वेश्चन बताओ, टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट क्या मतलब हो जाएगा सर, टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है सर बेल्ट के नीचे मारना, यानी सर जब मार पड़ती है ना तो बहुत बुरी पड़ती है, कसम से बहुत बुरी पड़ती है। टू आर्ग्यू अनफेयरली, यानी सर किसे तरीके से, कि सर बेतुके तरीके से आर्ग्यू करना, किसी से बेतुके तरीके से आर्ग्यू करना ही क्या होता है सर, टू हिट बिलो द बेल्ट होता है। चले चलो सर, बेल्ट के नीचे पकड़ के पट्टा मारना, उसी को क्या बोलते हैं, गलत तरीके से किसी के साथ में आर्ग्यू करना होता है। चलो प्यारे बच्चे, ही इज स्लो ब्लैंक हिज स्टडी, ही इज स्लो ब्लैंक हिज स्टडी, बताइए सर इसका आंसर। सर जी यहां पर बट सही है कि एंड सही है कि एल्स सही है कि येट सही है, सर सेंटेंस को देखो देखे फटाफट से, अरे बच्चों जवाब दे दो, अरे बी 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 बी, सारे के सारे पीछे वाले का भी दे रहे हैं कि इसका दे रहे हैं, हैं? अरे ओ बच्चों हां ये क्या है सर, वो स्लो है, यानी सर वो धीरे चलता है लेकिन वो क्या है, निरंतर चलता है, धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलता है सर, कॉन्ट्रास्ट,
क्या है रे सर जी कॉन्ट्रास्ट। अब जवाब फेंको देखे, अब जवाब फेंको देखे, कॉन्ट्रास्ट हो गया तो क्या हो जाएगा सर? कॉन्ट्रास्ट होते ही क्या हो जाएगा आपका? बट हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट होते ही क्या हो जाएगा सर? बट हो जाएगा। ही इज स्लो बट ही इज स्टडी, कि वो धीरे चलता है लेकिन वो निरंतर चलता है, वो रेगुलर चलता है सर। चलें, चलो सर जी अगला क्वेश्चन बताओ देखे फटाफट। आई वॉज हैप्पी टू सी ब्लैंक पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट। जवाब दो फटाफट से। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू सी देखकर, ब्लैंक पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखकर, हु सेव्ड माई कैट, जिसने मेरी बिल्ली को बचाया था। जरूर ये जो बात बोल रही है ना वो कोई लड़की ही होगी, क्योंकि उसकी बिल्ली को बचाने पर वो पुलिसमैन से खुश हो गई सर। चलो जी सर जी, कहां क्या आंसर हो जाएगा सर? हु आ गया, यानी सर हु का एंटीसीडेंट कौन है? पुलिसमैन है। तो क्या पुलिसमैन पर्टिकुलर हो गया? हां सर। कौन से पुलिसमैन की बात हो रही है? जो बिल्ली को बचाया था उस पुलिसमैन की बात हो रही है। पर्टिकुलर होने की वजह से क्या हो जाएगा सर जी आपका? द हो जाएगा, यानी सर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या जी? सर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मचा दे धूम। हां जी सर मचा दो। बोलो सर जी, टू बी हार्ड टू प्लीज का आंसर दीजिए। टू बी हार्ड टू प्लीज का आंसर दीजिए सर, क्या हो जाएगा? इजी टू प्लीज हो जाएगा, डिफिकल्ट टू प्लीज हो जाएगा, चेयरफुल प्लीज हो जाए पर्सन हो जाएगा, या फिर नेवर प्लीज हो जाएगा। टू बी हार्ड टू प्लीज, यानी जिसको प्लीज करना, राजी करना जिसको हार्ड हो, क्या होता है सर? डिफिकल्ट टू प्लीज होता है, यानी राजी करना जिसको डिफिकल्ट हो, राजी करना जिसको बहुत ज्यादा समस्याजनक हो, डिफिकल्ट हो सर। आई बात समझ में? हां जी गुरुजी। चले चलो सर अगला क्वेश्चन बताओ। मैन प्रपोजेज ब्लैंक गॉड डिस्पोजेज। मैन प्रपोजेज ब्लैंक गॉड डिस्पोजेज, क्या है गुरुजी? फिर से सर जी क्या हो गया सर? यह तो फिर से हम यदि बात करें तो एक प्रोवर्ब है। ये तो क्या है सर? प्रोवर्ब है। किस किसने पढ़ी है गुरुजी? किसी ने नहीं पढ़ी। क्या कर दें गुरुजी? एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? एंड बचता है। क्या बचता है सर? एंड, एकदम फिक्स। हां जी सर, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं सर। मेन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज सर जी, दो सेंटेंस सेम रैंक वाले किससे जोड़ दिए जाते हैं सर जी? क्या हो जाएगा आपका? एंड से जोड़ दिए जाते हैं। चलो प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन। अरे भाई सुनो, हां अपना महायज्ञ सेकेंड तैयार हो कि नहीं हो, या कहीं पे सोए हुए हो? ए हेलो, अरे जागो जागो जागो, देखो क्या आया। ओहो क्या है? महायज्ञ सेकंड बेटा 17 का फिर से आ रहा है। कब? 13 जनवरी को, याद रखना सर, सुबह 7 बजे। आज 11th है, कल 12th और परसों 13th। मेरा हर शेर शेरनी याद रखेगा, परसों सुबह यानी 13 तारीख को सुबह यानी 13th जनवरी को मॉर्निंग में 7 o'clock पे आप हर बच्चा जो है उसको बुला कर लेके आएंगे और खुद भी आ जाएंगे, फिर से हम महायज्ञ करेंगे। चलो प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। आ जाओ सर फटाफट से। बोलो जी सर, डू यू बिलीव इन ब्लैंक गॉड? डू यू बिलीव इन ब्लैंक गॉड? बताओ सर जी क्या होगा, ए एंड द या नो आर्टिकल? कौन सा सही? बोलो कौन सा सही? सर जी एक बात बताऊं, मैंने कहा बताओ कि सर जो गॉड होता है ना वो ऑलमाइटी होता है, वो ऊपर वाला भगवान होता है। हां जी सर, उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगता, उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगता। क्या हो जाएगा सर? इन गॉड हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा सर? इन गॉड, इसके साथ में आर्टिकल लगता ही नहीं है सर। चलें चलो सर अगला क्वेश्चन। बोलो जी सर अगला क्वेश्चन। बोलो, ए कास्टिंग वोट, ए कास्टिंग वोट, ए कास्टिंग वोट। बताओ सर कास्टिंग वोट क्या होता है? ए काउंटिंग वोट होता है, ए डिसाइडिंग वोट होता है, एन अनकाउंटिंग वोट होता है, या ए सेल्डम काउंटिंग वोट होता है? बच्चों फटाफट से जवाब दे दो देखे, फटाफट से। कास्टिंग वोट क्या हो जाएगा सर? कास्टिंग वोट का सर जी, मैंने देखा कि कास्टिंग वोट का मतलब होता है वो वोट जो कि सर लास्ट में कास्ट करता है, यानी सर डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा सर। वो डिसाइडिंग वोट जो होता है उसी को सर कास्टिंग वोट बोलते हैं। चलो जी सर अगला क्वेश्चन। आई हैड नो अदर हॉबी ब्लैंक दैट ऑफ कलेक्टिंग बुक्स। मेरी दूसरी कोई हॉबी नहीं है, कलेक्टिंग बुक्स के अलावा मेरे पास में हॉबी नहीं है। फटाफट से आंसर दे दो सर, क्या हो जाएगा? सर जी मैंने एक चीज को देखा बेटा। किसको सर? नो अदर को। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज आई थी, क्या सर? वुड रेदर। क्या आया था बेटा? वुड रेदर। वुड रेदर के साथ में किसका यूज किया था सर? देन का यूज किया था। अब क्या करें कि सर नो अदर आ गया ना, तो फिर से क्या लगा दो सर जी? देन ही लगा दो। क्या हो जाएगा सर? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनो, गलती होती है बच्चे से, क्या THEN लगा देता है, ये बेटा जी क्या है? गलत है। THEN मत करना सर, THANE रखना है, यानी सर जी ए ऑप्शन ही आपका धूम मचाएगा। चलें
चलो सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, बताओ प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा। ब्लैंक इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, बताइए बच्चे क्या हो जाएगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या प्यारे बच्चे कुछ भी नहीं होगा। बोलो फटाफट से। सर सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस को देखा और सेंटेंस में मुझे एक चीज दिखी, क्या दिखी कि सर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। सर जी वो तो अनकाउंटेबल है। क्या है सर? अनकाउंटेबल है। दूसरी बात कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर है क्या, किसी विशेष सूचना की बात हो रही है क्या? नहीं सर, बल्कि इंफॉर्मेशन यहां पर जनरल सेंस में है। कैसे सेंस में गुरुजी? जनरल सेंस में। कैसे पता चला कि सर यहां पर एक चीज लिखी है सर, एनी ऑर्गेनाइजेशन यानी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए दुनिया की कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है सर, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। मतलब सर जब ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं है तो सर उसकी इंफॉर्मेशन भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, वो जनरल सेंस में है। और सर ध्यान रखना कि आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है जनरल सेंस में, वो अनकाउंटेबल नाउन किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लेता है, यानी सर कोई आर्टिकल नहीं होगा। बोलिए क्या होगा? सर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि आपका अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लेता सर। चलो जी सर आगे आ जाओ फटाफट से। एन आयरन हैंड का क्या मतलब होगा? लोहे का हाथ, लोहे का हाथ। फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, जल्दी करो। देखे लोहे का हाथ क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 77 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 मुझे कह रहा है सर कंट्रोल सीवियरली, यानी सर शक्ति के साथ में किसी को काबू करना, शक्ति के साथ काबू करना। सर कैसे काबू करना? सर जी शक्ति के साथ में काबू कर लेना। शक्ति जानते हो? हां जी सर, कि सर मेरे पापा बड़े सख्त हैं, है ना, बड़े सख्त हैं सर। शक्ति के साथ काबू करना होता है, शक्ति के साथ काबू करना होता है। पावर नहीं, पावर शक्ति नहीं, स्ट्रिक्टनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, स्ट्रिक्टनेस जिसको हम बोलते हैं, उस शक्ति की बात हो रही है। यानी सर कंट्रोल सीवियरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल सीवियरली हो जाएगा। किसका मतलब सर? लोहे के हाथों का मतलब हो जाएगा। चलो जी प्यारे बच्चे आगे आ जाओ 78 नंबर का क्वेश्चन। ही हैड स्केर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, ब्लैंक ही कॉन्ट्रेक्टेड अ बेड कॉल्ड। अरे बोलो सो गए क्या? नहीं बच्चे, तो बाहर निकलो। कि मिलती थी रोज मुरारी से और सेटिंग थी गिरधारी से। बोलो मुरारी गिरधारी को बोलो क्या होगा, बुलाओ उनको, बाहर निकालो, उनको बाहर निकालो। बोलो फटाफट बच्चे, मुरारी और गिरधारी को बुलाओ फटाफट से। सर जी हमने देखा क्या कि स्केर्सली आया है सर। क्या सर? स्केर्सली। सर जी यदि हार्डली हो, हार्डली हो और स्केर्सली हो तो जोड़ी कौन बनाता है? कि सर वेन बनाता है। कौन बनाता है गुरुजी? सर वेन बनाता है। तो साहब कहां पड़ा? ये पड़ा। आ जाओ साहब। लो जी साहब, बनवारी मुरारी गिरधारी सबकी इच्छाएं पूरी हुई है, ठीक है, क्योंकि सर आज पूर्ण आहुति है और इस पूर्ण आहुति में आज बनवारी गिरधारी की इच्छा भी पूरी हो गई। सर जी स्केर्सली हार्डली के साथ में वेन। और प्यारे बच्चे यदि नो सुनर होता है तो सर जी क्या करते हैं? देन का यूज करते हैं। इस चीज को माइंड में रखना है। चलें सर, चलो गुरुजी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉफी इज बैड फॉर यू, कि कॉफी तुम्हारे लिए बहुत बुरी है। हां जी, कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो रोज एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। सोचो हम किस लेवल के बच्चे थे, सोचो एक बार हम किस लेवल के बच्चे थे। बोलो आंसर क्या होगा? सर जी सर जी सर जी, कॉफी कौन सा सर? मटेरियल नाउन। कौन सी कॉफी की बात हो रही है? सर जनरल सेंस में है कि यदि तू दुनिया की कोई सी भी कॉफी कहीं से भी उठा के पिएगा तो वो तेरे लिए क्या है? अच्छी नहीं है। सर जी अच्छी नहीं है तो ये लो साहब, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सर नो एरर होगा। क्यों? क्योंकि सर कॉफी कैसा है? सर जी अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है प्यारे बच्चे, अनकाउंटेबल है तो सर ए और एन तो हो ही नहीं सकता। द कब होता है? जब कॉफी पर्टिकुलर होती, कि तेरी मम्मी ने जो कॉफी पिलाई है ना वो कॉफी तेरे लिए अच्छी नहीं है, मतलब अब दे हो जाएगा। समझ गए? हां गुरुजी। चलो प्यारे बच्चे आगे आ जाओ। हॉट वाटर, हॉट वाटर इडियम फ्रेज का मतलब बता दो। क्वेश्चन नंबर 80 पर हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पर हैं। सोचो एक बार के लिए हम किस लेवल से चल रहे हैं। बोलो बेटा फटाफट से बताओ। देखिए हॉट वाटर, हॉट वाटर में क्या हो जाएगा? ए वार्म वाटर हो जाएगा, टर्बल हो जाएगा, या फिर आपका है चेयरफुल टाइम, या फिर इजी टाइम, बताओ फटाफट पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में। सर जी हॉट वाटर का क्या मतलब होता है? सर समस्या होती है ना, समस्या होती है सर, बड़बड़ता है ना, वही हॉट वाटर है। हमारे यहां पर इसी को क्या बोलते हैं सर? उबलता को बलबलता। समझ गए? हां जी गुरु जी,
वही समस्या है, वही सर टर्बल है। चलो जी सर आगे आ जाओ। द न्यूज ब्लैंक ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स, बताओ सर फटाफट से। द न्यूज कि सर वह समाचार ही इज रिटायरिंग, जिसको वो क्या कर रहा है, रिटायरिंग कर रहा है, यानी वो जिसको डिलीवर कर रहा है, इज फॉल्स, वो क्या है सर, झूठा है। अब बता मेरे सर यहां पर दैट का यूज करूं, विच का यूज करूं, वेयर का यूज करूं, या प्यारे बच्चे वेन का यूज करूं? क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे कौन सा सर, 81 में क्या होना चाहिए सर, द न्यूज आया है, क्या हो जाएगा द न्यूज के लिए सर, दैट का यूज हो जाएगा। द न्यूज के लिए किसका यूज हो जाएगा सर, दैट का यूज हो जाएगा। विच का यूज कहां होता है, सिलेक्शन के लिए विच आता है, और दैट और विच में से यदि यह हो जाए कि किसको भरूं, तो पहले किसको महत्व दोगे सर, सबसे पहले दैट आएगा, यानी सर जी आपका ए ऑप्शन क्या हो गया यहां पर, सही हो गया। चलें, चलो सर अगला क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से, बताओ। देखिए ब्लैंक मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, कि आदमी ही केवल एक ऐसा जानवर है जो कि क्या करता है सर, फायर का यूज करता है। ए जवानो, हां नींद आ रही है क्या? नहीं सर, आ जाओ फिर फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से आ जाओ। देखिए जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आ जाओ सर। अरे वारे 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 सर जी, हां 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर मेन जब जनरल सेंस में यूज होता है उसके साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसीलिए बाबू नो आर्टिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब जनरल सेंस में आया है। कैसे सेंस में? जनरल सेंस में कैसे? ठीक उसी प्रकार जब आपको कहा जाता है मेन इज मॉर्टल, क्या कहा जाता है सर, मेन मॉर्टल है, आदमी मरणशील है, यानी सर ए एन का यूज नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा, क्योंकि मेन जब जनरल सेंस में आता है अपने साथ में आर्टिकल नहीं लेता है सर। चले चलो सर जी आगे आ जाओ फटाफट से। वेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है? वेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है सर जी? वेक्स्ट का मतलब क्या होता है? वेक्स्ट का मतलब होता है उलझन से भरा हुआ। किससे? उलझन से भरा हुआ क्वेश्चन। मतलब क्या हो गया? मतलब सर जी एक ऐसा डिस्प्यूट हो जाना जिसका सॉल्यूशन नहीं मिले, एक ऐसा डिस्प्यूट हो जाना जिसका सॉल्यूशन नहीं मिले, मतलब जाके क्या कहेंगे, अरे भाई ये वेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लड़े तो लड़े, कोई छुड़ाने वाला नहीं हो, डिस्प्यूट जो है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, इसी को सर जी क्या कहते हैं, वेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। बोलो बेटा, आई कैन नॉट रीड स्मॉल प्रिंट, मैं स्मॉल प्रिंट को नहीं पढ़ सकता, ब्लैंक, आई वॉन्ट टू गेट माई आईज टेस्टेड, बताओ सर क्या होगा, बट होगा, दैट होगा, देयर फॉर होगा, या दो हो जाएगा? फटाफट से, फटाफट से, मुझे मेरे हर शेर छेड़ने का जवाब चाहिए पूरे जोश के साथ में। बोलो सर, बोलो सर, फटाफट से आंसर दे दो, फटाफट से। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले सर जी, मिल गया आंसर। क्या मिला सर? ये कह रहा है कि मैं छोटे छोटे लेटर है ना, वो पढ़ नहीं सकता, और इसीलिए मुझे अपने आंखें क्या करानी है, चेक करानी है सर, किसका यूज हो जाएगा, देर फोर का यूज हो जाएगा सर। किसका सर जी? देर फोर का यूज हो जाएगा, कि मैं छोटे छोटे अक्षर नहीं पढ़ सकता, इसीलिए मुझे अपनी आंखें चेक करानी है सर। आ जाओ मेरे सर, क्वेश्चन नंबर 85, नाइन्थ लेसन इन दिस बुक, इस किताब का नौवा पाठ, इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही डिफिकल्ट है। अब मुझे एक बार जवाब दे दो सर, क्या हो जाएगा? ब्लैंक, नाइन्थ लेसन इन दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जवाब दे दो मेरे शेरो। सर जी धूम मचेगी, सर मैं कह रहा हूं ना, धूम मचा के छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ऐसे, धूम मचा के छोड़ेंगे सर। कैसे सर? नाइन्थ कौन सा नंबर, बोलो कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर की कार्डिनल नंबर? सर जी हां, ये क्या होता है, अरे बाबू गणित पढ़ाओ, आ जाओ, आ जाओ गणित पढ़ते हैं। एक बेटा जी आपका कौन सा नंबर है, कार्डिनल, और एक प्यारे बच्चे कौन सा नंबर है बेटा, ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर क्या काम करता है सर? ऑर्डर बताने का काम करता है, और कार्डिनल नंबर क्या काम करता है सर? काउंट करने का काम करता है। तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, हां जी सर, कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये, और सर ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो प्यारे बच्चे ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में कौन सा आर्टिकल लगाते हैं गुरुजी? द लगाते हैं, क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो रे, बात समझ में आ रही है क्या? हां गुरु जी, अच्छी चीजें सीख रहे हो सर जी, सीख रहे हैं। चलो सर आगे आ जाओ फटाफट से। एन एपिल ऑफ डिस्कर्ड,
डिस्कॉर्ड, कि सर वो डिस्कॉर्ड वाला एप्पल कौन सा है, वो डिस्कॉर्ड वाला एप्पल कौन सा है, बोलो फटाफट से। डिस्कॉर्ड वाला एप्पल, कि सर एक ऐसा एप्पल लाई मेरी मम्मी और उसको लेके हम दोनों भाई बहन इतने झगड़े इतने झगड़े इतने झगड़े कि सर ये मेरा जो दांत टूटा हुआ है ना, ये उस दिन मेरी बहन ने तोड़ा था उस एप्पल के चक्कर में। यानी सर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेके लड़ाई हो जाए, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जिसको लेके क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे सर, उसी को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलेंगे। यानी सर लड़ाई वाला एप्पल बोलेंगे जिसको देख के क्या हो जाए सर, लड़ाई हो जाए। चलो प्यारे बच्चे, हिज थ्योरी इज इंटरेस्टिंग, कि सर ये जो टीचर है ना, ये जो श्री कृष्ण सर है ना, इनकी थ्योरी तो इंटरेस्टिंग है, ब्लैंक इट डज नॉट कन्विंस मी, लेकिन इनकी जो थ्योरी है ना वो मुझे कन्विंस नहीं करती है, ठीक है। यानी सर ये थ्योरी मुझे पसंद नहीं है, चाहे कैसा ही पढ़ाते होंगे, चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाते होंगे, बस मुझे पसंद नहीं है। बोलो रे क्या, किसका यूज करूं, बोलो किसका यूज करूं। सर जी एक बात बताऊं, मैंने कहा क्या, बोले सर देखो इंटरेस्टिंग है ना, है, लेकिन मुझे क्या नहीं करती, कन्विंस नहीं करती। तो सर जी क्या चल रहा है यहां, यहां सर कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, क्या सर कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट कौन है सर, बट, कॉन्ट्रास्ट को कौन प्रेजेंट करता है सर, बट प्रेजेंट करता है। तो सर जी आपका बी ऑप्शन धूम मचाएगा, बी ऑप्शन आपका धूम मचाएगा। बोलो बेटा आई हैव ब्लैंक गुड न्यूज, अब जवाब दो। और हां लंका लगेगी लंका, क्योंकि कम से कम 3 से 4 किताबों में गलत आंसर लिखा है इसका, 3 से 4 किताबों में इसका आंसर गलत लिखा है, आप गलत मत देना। बोलो सर क्या हो जाएगा, आई हैव ब्लैंक गुड न्यूज, बताओ सर, बताओ सर फटाफट से, बताओ सर फटाफट से आंसर दे दो, क्या हो जाएगा। अरे 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 कोई सही जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किताब में यह लिखा हुआ मिलता है कि न्यूज के साथ में जैसे ही गुड लगाते हैं, न्यूज के साथ में जैसे ही बेड लगाते हैं तो ए लगा देते हैं, क्या, ए गुड न्यूज, ए ब्यूड न्यूज। हां बेटा ये स्पोकन में यूज होने वाली चीज है, जनरली इसको जो लोग हैं वो रिटन में भी काम में लेने लग गए हैं, किसको, ए गुड न्यूज और ए गुड न्यूज को और ए बेड न्यूज को। लेकिन परीक्षा में सही कौन सा होगा, जो बच्चा डी आंसर देकर आएगा उसका सही होगा। एग्जाम में सही किसका होगा, जो बच्चा डी आंसर देगा उसका सही होगा, और जो ए देगा उसका सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, वैसे स्पोकन में और रिटन में इसको यूज करने लग गए हैं, और आने वाले दिनों में इसको सही 101% मान भी लिया जाएगा, यू डोंट वरी। चलो सर जी आगे आ जाओ, अगला बताओ, ए बेड ऑफ थॉर्न्स, इसका जवाब दीजिए, ए बेड ऑफ थॉर्न्स का जवाब दीजिए फटाफट से, कि सर ए बेड ऑफ थॉर्न्स क्या है, कि सर कांटों वाला बिस्तर, कांटों वाला बिस्तर। सोचो एक बार के लिए कि आप यहां क्लास ले रहे हो, जैसे ही आप क्लास लेके लाइब्रेरी में बैठे हो, घर जाओ और मम्मी आपको यह बोले कि आज तुझे इस कांटों वाले बिस्तर पे सोना है, मतलब सर अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी सर अप्रिय सिचुएशन, जो मुझे पसंद नहीं है सर, मैं कांटों पे नहीं सोऊंगा, मैं कांटों पे नहीं सोऊंगा। लेकिन मेरे लाल यदि सफल होना है तो इन कांटों के रास्तों को तय करना पड़ेगा, नंगे पांव तय करना पड़ेगा और फिर अपनी मंजिल तक जाना पड़ेगा। सुन लेना, जीवन में जितने दर्द हैं, जीवन में जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, इन सबको सहकर जो आदमी आगे जाता है सफल, उसी को कहा जाता है, ठीक है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट, यू ईट ब्लैंक यू मे लिव, बताइए, यू ईट ब्लैंक यू मे लिव, जवाब दीजिए सर इसका, क्वेश्चन नंबर 90 को फोड़ दे, क्वेश्चन नंबर 90 को फोड़ दे, यू ईट ब्लैंक यू मे लिव। सर जी हां यहां पर क्या है सर, बट विरोधाभास नहीं है, आप खाते हैं ताकि आप जीवित रह सकें, आप खाते हैं ताकि आप जीवित रह सकें। सर होम सो यू मे लिव, यू ईट तुम खाते हो, सो यू मे लिव, सो 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 सो। ओहो क्वेश्चन ने बैंड बजा दी, अरे 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 बच्चों, हां दैट होगा, क्या होगा सर, दैट का यूज होगा, यू मे यू ईट तुम खाते हो, दैट यू मे लिव होगा, सो नहीं होगा, ठीक है। हां जी सर चलें, चलो जी सर बी के साथ में आगे बढ़ो फटाफट,
ये भी क्या है सर जी, ये भी प्यारे बच्चे आपका प्रोवर्ब है, याद रखना। चलें, चलो गुरुजी, आई हेट टू लीव ब्लैंक इन हरी। अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए, एक फ्रेज आया है, अब जवाब दीजिए, एक छोटा सा फ्रेज है उसको पहचानो, छोटा सा फ्रेज है उसको पहचानो, और उसको पहचान के उसके अनुसार यहां पर आर्टिकल फिल करो। आई हैड टू लीव, मुझे छोड़ना पड़ा इन ब्लैंक हरी। सर जी वो फ्रेज मुझे पता है क्या होता है सर, इन ए हरी होता है। क्या होता है सर? इन ए हरी होता है, ये मुझे पता है। फ्रेज कौन सा? इन ए हरी। फ्रेज कौन सा? इन ए हरी। चलो सर, कम अक्रॉस ईडियम का मतलब बताओ, कम अक्रॉस ईडियम का मतलब बताओ गुरुजी। अंडरस्टूड क्लियरली हो जाएगा, टू मीट अ पर्सन हो जाएगा, टू टॉक टू ए पर्सन हो जाएगा, टू कम बाई रोड हो जाएगा। सर जी कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मतलब सर जी क्या होता है? मतलब सर जी 92 क्या कह रहा है? अरे जवाब दे सर, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति से आपस में मिल जाना, अचानक से, सडनली जब हम किसी से मिल जाते हैं उसी को कम अक्रॉस बोला जाता है सर। चलो प्यारे बच्चे, स्टे ब्लैंक यू आर, बताओ देखिए किसका यूज करूं? स्टे ब्लैंक यू आर, बताइए फटाफट से किसका यूज करूं स्टे ब्लैंक यू आर में? स्टे ब्लैंक यू आर में किसका यूज करना है सर जी? हां सर, स्टे यानी रुकना, कहां रुकेंगे सर? स्थान पर रुकेंगे, ये कहना चाहता है रुक जाओ जहां हो, यानी सर जी किसका यूज हो जाएगा? वेहर का यूज हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। स्टे रुको, वेहर यू आर, जहां तुम हो वहीं रुक जाओ, जहां तुम हो वहीं रुक जाओ, यानी सर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा सर। आगे चलते हैं सर जी। आई एट इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट, आई एट मैंने खाया, खाना खाया इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट। चाइना वाले क्या क्या खाते हैं? गंदा ऐसा खाना खाता है। रेस्टोरेंट वॉज नॉट वेरी क्लीन, और वो रेस्टोरेंट साफ भी नहीं था, और वहां खाना खा लिया। अरे रे रे रे, रे हैं, तुझे घर वालों ने घर कैसे आने दिया रे? हैं, इसके बाद में घर वालों ने घर आने दिया तेरे को? अरे सर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया तो क्या करूं? रेस्टोरेंट दोबारा आ गया सर, यहां भी रेस्टोरेंट था, फिर से आ गया सर, आइडेंटिफाइड हो गया। किसका यूज करूंगा सर? द का यूज करूंगा, सी ऑप्शन सही है। क्या करूंगा सर? सी ऑप्शन को एकदम सही कर दूंगा। क्या आया ना मजा? मजा आया ना? हां जी सर आया। चल अगले क्वेश्चन का जवाब दे। सैकड़ा पूरे करने वाले हैं, शतक लगाने वाले हैं, आ जा इधर, बोलो सर। टू फेस द म्यूजिक हर बच्चे को आता है सर, टू फेस द म्यूजिक बोलो। अरे फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना सर क्या होता है? सर जी वो भी अनप्लीजेंट सिचुएशन होता है, यानी सर अप्रिय स्थिति होता है जिसको व्यक्ति फेस करता है। फेस द प्रॉब्लम भी हो सकता है कि सर, प्रॉब्लम को फेस करना भी होता है, समस्याजनक स्थिति भी हो सकता है सर, उसी को फेस द म्यूजिक कहते हैं सर जी। बाकी यहां पर कोई आंसर नहीं है, म्यूजिक सुनना नहीं होगा, इजी सिचुएशन नहीं होगा, और प्लीजेंट सिचुएशन भी नहीं होगा, इसीलिए सर केवल और केवल बी ऑप्शन आपका सही है। सही बोल रहा हूं ना? हां जी सर। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। पेन इज माइटर, पेन इज माइटर ब्लैंक अवार्ड। अब सर सवाल जवाब दीजिए कि सर माइटर के साथ में टू लगा दूं, माइटर के साथ में देन लगा दूं, माइटर के साथ में THEN लगाऊं, या माइटर के साथ में सो लगाऊं? सर क्वेश्चन नंबर 96 जोर जोर से कह रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में किसका यूज हो जाएगा सर? कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में THEN देन का यूज हो जाएगा। ठीक है, टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर टू को सीनियर के साथ लगाएंगे, जूनियर के साथ में लगाएंगे सर, टू को हम प्रीफर के साथ में लगाएंगे, प्रीफरेबल के साथ में लगाएंगे सर, टू को हम किसके साथ में प्यारे बच्चे? एल्डर के साथ में लगाएंगे, लेकिन हम टू को कहां? माइटर के साथ में नहीं लगाएंगे सर। आई क्या बात समझ में गुरु जी? पक्का आ गई तो लो बताओ फिर। आई गो टू ब्लैंक यूनिवर्सिटी, आई गो टू ब्लैंक यूनिवर्सिटी, बेटा हां जवाब दो सर जी। दे दूं क्या? दे दो सर। आई गो टू ए यूनिवर्सिटी होगा, आई गो टू एन यूनिवर्सिटी होगा, आई गो टू द यूनिवर्सिटी होगा, या फिर सर आर्टिकल नहीं होगा सर जी। सेंटेंस को देखो, यूनिवर्सिटी, आई गो टू यूनिवर्सिटी सर, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि वो यूनिवर्सिटी में रेगुलर काम करने के लिए जाता है? प्रेजेंट सिंपल है, हां जी। तो डेली यूनिवर्सिटी में जाता है, मतलब वो क्या करने के लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है सर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा सर? डी ऑप्शन। यूनिवर्सिटी यदि अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हो रहा है, स्कूल ऐसा होता है, हॉस्टल ऐसा होता है, हॉस्पिटल ऐसा होता है, टेम्पल होता है, चर्च होता है, यदि ये अपने पर्टिकुलर यूज के लिए, प्राइमरी यूज के लिए होते हैं, इनके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। चलें, चलो सर जी डी के बाद में अगला क्वेश्चन बोलो सर। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ बोलो फटाफट से।
गला बार बार सूख रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, पूरे क्वेश्चन करवा के मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एट आर्म्स, एट आर्म का मतलब भुजा, यानी इतनी सी भुजा की दूरी पर, यानी क्या मतलब हो गया, एट एज डिस्टेंस, यानी सर थोड़ी सी दूरी पर, इतनी सी दूरी पर, है ना। आर्म्स डिस्टेंस का क्या मतलब है सर, एक भुजा की दूरी पर, एक हाथ की दूरी पर, यानी थोड़ी सी दूरी पर होता है, एट अ डिस्टेंस होता है। चलो प्यारे बच्चे, ही वॉज ब्लैंक टाइड ब्लैंक, ही कुड नॉट वॉक। अब जवाब दो सर, जवाब दो सर, इसमें क्या हो जाएगा, ही वॉज ब्लैंक टायर्ड ब्लैंक ही कुड नॉट वॉक, बेटा हाँ इसका जवाब क्या होगा। सर जी आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा क्या, कि सर वो इतना थक गया कि वो चल नहीं सकता। सर टू टू तो नहीं होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी नहीं होगा, सो एंड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर, सो दैट हो जाएगा, यानी वो इतना थक गया कि वो चल नहीं सकता। बोलो मजा आया, हां जी सर। और अब शतक लगाने जा रहा हूं, पूरी बाहें खोल के स्वागत करना साहब, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और है अभी। चलो सर, रामलाल कम्स टू वर्क बाय ब्लैंक टैक्सी, बोलो मेरे प्यारे लाला जवाब क्या हो जाएगा रे, जवाब क्या हो जाएगा रे, रामलाल आ गया, अरे बोलो हैं, रामलाल आ गया हैं, रामलाल आ गया सर, कि राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के बीच में कुदरत का क्या काम। चलो सर, अरे रामलाल है, रामलीला नहीं है भाई, ठीक है। चलो सर, रामलाल कम्स टू वर्क बाय टैक्सी। सर जी हाँ, जब बाई के साथ में कोई साधन आता है ना, तो हम किसी का यूज नहीं करते, किसका यूज नहीं करते सर जी, हम किसी का भी यूज नहीं करते, जो भी साधन आए उसको लिख देते हैं, यानी सर जी आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, डी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो धूम मची सर जी, मच गई। चलो जी सर, लास्ट क्वेश्चन से आगे कदम रखते हैं, अब हम सीमा के पार हैं, अब हम सीमा के पार हैं, अब दुश्मन के पाले में जाके उसकी छाती पे स्ट्राइक करके आएंगे, आ जाओ मेरे शेरो। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 101, एट डेगर्स डॉन का आंसर दीजिए, एट डेगर्स डॉन का आंसर दीजिए। जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, तो मजा आ जाता है जीने में, आ जाओ प्यारे बच्चे। डेगर्स डॉन का क्या मतलब है सर, अब दुश्मन की सीमा में है और हमने खंजर निकाल लिए हैं, हमने खंजर निकाल लिए हैं, और वो हमारा दुश्मन है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं, एट एनमिटी, यानी सर पूरी दुश्मनी, दुश्मन से पूरी दुश्मनी निभाएंगे, बड़ी शिद्दत के साथ में निभाएंगे साहब। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, सी विल नॉट कम, सी विल नॉट कम ब्लैंक यू कॉल हर, सी विल नॉट कम ब्लैंक यू कॉल हर, कॉल कर ले, कॉल कर ले वरना नहीं आएगी, कॉल कर ले वरना नहीं आएगी, और सुन कॉल करने पर भी नहीं आएगी, पहले नौकरी लग जा, बिना कॉल करे आ जाएगी, ठीक है। तो नौकरी जरूरी है साहब, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मामला फिट। सर जी क्या करो, शर्त बताने के लिए क्या कर दो, अनलेस का यूज कर दो, अनलेस यू कॉल हर, यदि तुम उसे कॉल नहीं करते हो, सी विल नॉट कम, तो वो नहीं आएगी, यदि तुम कॉल नहीं करते हो तो वो नहीं आएगी। सर कंडीशन बताने के लिए कौन आ गया, सर जी अनलेस का यूज हो गया। बोलो रे, बात सही है, हाँ गुरुजी सही है। चलो फिर बताओ, देखिए 103 क्वेश्चन, क्वेश्चन 103, बोलो देखे, द स्पीड ऑफ दिस कार वॉज 120 किलोमीटर ब्लैंकर, कि सर इस कार की जो स्पीड है ना, इस कार की जो स्पीड है सर वो 120 किलोमीटर ब्लैंकर, बोलो क्या हो जाएगा सर। हाँ कि सर आपने एक बात बताई थी कि प्रति के सेंस में, यानी सर पर के सेंस में किसका यूज कर लेते हैं सर, ए और एन का यूज कर देते हैं, इसके साथ में ए आएगा कि एन आएगा, सर बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई गुरुजी, पक्का आ गई, पक्का रे, पक्का सर, मचा दी धूम, हां जी सर। चलो फिर बताओ, देखिए बेग एंड बेगेज का मतलब बताओ फटाफट, बेग एंड बेगेज का मतलब बताओ सर जी क्या हो जाएगा, ऑल द क्लोथिंग हो जाएगा, विदाउट एनी बिलोंगिंग हो जाएगा, लीव हो जाएगा, या विद ऑल वन्स बिलोंगिंग्स हो जाएगा। सर जी हाँ मैंने पढ़ा इसको, मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला बेग एंड बेगेज का क्या मतलब होता है, कि सर आदमी के पास में जो भी उसके रजाई सोड़िया होते हैं वो सारे के सारे ही, जो रजाई सोड़िया है वो सारे के सारे बेग एंड बेगेज होते हैं, यानी जो उसके पास में चीजें हैं वो सारी की सारी, यानी सर बोरिया बिस्तर सारा का सारा, अरे पैक करवा के रख लो, इस बार एयरफोर्स में लग के वो बैग उठा के सीधा कहां जाना है, ट्रेनिंग सेंटर पर, याद रखना सर, फुल बैग और बैगेज के साथ में जाएंगे साहब, पूरे बैग और बैगेज के साथ में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सर चार सेंटेंस लिखे हैं, एक सेंटेंस असत्य है, बाकी तीन गलत है, गलत को छोड़ो जो सही है उसको बता दो, गलत को छोड़ो जो सही है उसको बता दो, धूम मचा दो। देखें
लगना चाहिए यार तुम लोगों में जोश है। गुरुजी एक बात कहूं, मैंने कहा क्या? बोले सर लेस्ट की जोड़ी किसके साथ होती है? सर सूट के साथ में होती है। ये सेंस कैसा देता है लेट सूट की जोड़ी? कि सर नेगेटिव सेंस देता है। तो फिर इनके साथ में नोट आता है क्या? बाबू नहीं आता। सर वुड आता है क्या लेस्ट के साथ? नहीं आता। सर माइट आता है क्या लेस्ट के साथ में? नहीं आता। तो सर 505 करोड़ का क्वेश्चन है अपना ए, अपना ए ऑप्शन कर दो और 500 करोड़ के विजेता कौन बनेगा करोड़पति में? आ जाओ साहब, मोर यू गेट द मोर यू वांट। सर जी हमने जब क्लास पढ़ी थी कौन सी कंजक्शन की, तो सर इसको आपने सबसे पहले लिया था इस कॉन्सेप्ट को, कि सर जब सेंटेंस में दो आपके क्लोज होते हैं और सर दोनों ही क्लोज कॉम्परेटिव डिग्री से शुरू होते हैं तो दोनों के साथ में आर्टिकल कौन सा लगता है बच्चे? सर द लगता है। और सर जी क्या हो जाता है आपका? सी ऑप्शन धूम मचाता है। बोलो रे धूम मचा ले। हाँ जी सर मचा लेंगे, आज धूम मची है सर। बोलो रे बेटा बेड ऑफ रोजेज। सुनो हाँ, अभी यदि बेड ऑफ थॉर्न्स से निकल गए, अभी यदि बेड ऑफ थॉर्न्स से निकल गए यानी कांटों वाले बिस्तर से यदि अभी आप निकल गए तो आगे तैयार रहना, आपके लिए बेड ऑफ रोजेज भी है। आगे आपके लिए बेड ऑफ रोजेज भी है, आपके लिए आगे आपके लिए ये फूलों वाला बिस्तर भी है। सर इसका मतलब क्या होता है? फुल ऑफ जॉयज, यानी सर पूरे आनंद के साथ में। किसके साथ? पूरे आनंद के साथ में। बोलो डी ऑप्शन सही है क्या? हां जी सर, यानी रोज ही रोज फैले हैं, आज बिस्तर पर रोज ही रोज फैले हैं, ये केवल सपना ही रह जाएगा। हाँ, कब? यदि मेहनत नहीं करोगे ना तब, और मेहनत करोगे तो वो दिन भी आएगा जब बेड पे रोज ही रोज होंगे सर। ठीक है, चलो जी सर अगला क्वेश्चन बोलो। देखे सी मस्ट बी ओवर 40, सी मस्ट बी ओवर 40 ब्लैंक, सी लुक्स चार्मिंग। कि सर वो 40 साल की हो गई लेकिन अभी भी एकदम चार्मिंग है सर, अभी भी एकदम चार्मिंग है सर, 40 साल के बावजूद भी। सर जी क्या करें? सर बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। कि सर सी मस्ट बी ओवर 40, जरूर वो 40 साल से ज्यादा है लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी क्या है? चार्मिंग है। यानी सर क्या हो जाएगा? स्टिल। यानी क्या हो जाएगा सर आपका? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, स्टिल सी लुक्स चार्मिंग। अभी भी वो कैसे दिखाई देती है सर? एकदम चमक के साथ में, यानी सर उसका जो ग्लो है ना वो अभी भी वैसा ही है जैसा उस समय हुआ करता था। मे आई हैव योर ब्लैंक फोन नंबर? बोलो सर, मे आई हैव योर ब्लैंक फोन नंबर? मे आई ब्लैंक योर फोन नंबर? बोलो सर क्या करूं? बोलो फिल इन द ब्लैंक में ए भर दूं, एफ फोन नंबर ले लूं, या एन फोन नंबर लूं, कि द फोन नंबर लूं? सर जी हां, ये चप्पल खाने वाले काम मत सिखाओ हमें, ये चप्पल खाने वाले काम मत सिखाओ हमें सर। सिलेक्शन लेना है इसलिए यहां कुछ भी मत करो, नो आर्टिकल कर दो। सिलेक्शन लेना है सर हमें, चप्पल नहीं खानी। मे आई हैव योर नॉन मोबाइल नंबर या आपके फोन नंबर हो जाता है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। रीजन क्या है? कि सर यहां पर आपका पजेसिव है और पजेसिव के बाद में डायरेक्ट कौन आता है? नाउन आता है, बीच में आर्टिकल नहीं आता बेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स जवाब दे दो सर। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का, बाई लीप्स एंड बाउंड्स का जवाब दो। बोलो वेरी फास्ट होगा क्या? बोलो वेरी स्लो होगा क्या? बोलो डिटेल में होगा क्या? बोलो एमलेसली होगा क्या? सर अभी थोड़ी देर पहले हमने लीप पढ़ा था, लीप, और आपको पंकज सर लीप वर्स पढ़ाते हैं ना? हाँ सर। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है छलांगे मार मार के जाना, और सर छलांगे मारने का मतलब क्या हो गया? वेरी फास्ट। क्या हो गया बच्चे? सर वेरी फास्ट हो गया, बहुत तेज हो गया सर। और सर लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है जैसे हमारी क्लास होती है ना बहुत फास्ट, वही मतलब होता है बेटा। चलो सर, आई कुड नॉट टेक अ बाथ ब्लैंक, देर वॉज नॉट नो वॉटर। बताओ सर जी क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट टेक अ बाथ, सर मैं नहा नहीं सका, ब्लैंक देर वॉज नो वॉटर, क्योंकि पानी नहीं था। ये तो तेरा बहाना है बेटा, मेन बात तो ये है कि सर्दी बहुत ज्यादा थी। सर जी किसका यूज करूं? वाइल देर वॉज नो वॉटर था, इफ देर वॉज नो वॉटर था, वेन देर वॉज नो वॉटर होगा, या बिकॉज देर वॉज नो वॉटर होगा? सर जी क्या करो? डी ऑप्शन कर दो, बिकॉज देर वॉज नो वॉटर, क्योंकि सर पानी बिल्कुल नहीं था इसीलिए मैं नहा नहीं सका सर। चलो प्यारे बच्चे, पांडाज एंड टाइगर्स, पांडाज एंड ब्लैंक टाइगर्स आर एंडेंजर्ड एनिमल्स। कि सर जी जो गेंडे होते हैं और जो टाइगर होते हैं वो सर बड़े ही खतरनाक एनिमल होते हैं सर। अरे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे,
क्यों? क्योंकि सर हम तो लाइंस हैं। सर जी किसका यूज करूं? बोलो ए लगा दूं, एन लगा दूं या दे लगा दूं, क्या बोलो रे किसका यूज कर दूं? सर जी ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 112। हाँ सर ये तो धूम मचाएगा। हाँ सर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा रहने दो। एंड के पहले पांडाज है तो एंड के बाद में टाइगर्स हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल का यूज यहां पर नहीं होगा सर। चलें, चलो सर जी आगे चलते हैं। सर इडियम एंड फ्रेजेज, ए ब्लैक शिप, बोलो बेटा ए ब्लैक शिप, बोलो सर काली काली भेड़, काली काली भेड़ क्या होगा? स्ट्रेंजर होगा, ऑन द रन होगा, स्कॉन्ड्रल होगा, या प्यारे बच्चे आपका जेंटलमैन हो जाएगा। सर जी काली भेड़ किसको बोलते हैं? काली भेड़ किसको बोलते हैं? सर मैंने डार्क हॉर्स पढ़ा था, एक काला घोड़ा पढ़ा था, वो डार्क हॉर्स क्या था? सर बीच में से निकल के जीतने वाला डार्क हॉर्स होता है। इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि जो भेड़ काली होती है वो भी जीतने वाली होती है। जो भेड़ काली होती है ना वो क्या होती है सर? वो दुष्ट होती है। हाँ वो क्या होती है सर? स्कॉन्ड्रल होती है, वो दुष्ट होती है सर जी। वो क्या होती है सर? दुष्ट होती है। चल मेरे प्यारे बच्चे, ही रिफ्यूज्ड टू अटेंड द पार्टी, उसने पार्टी के लिए मना कर दिया। ब्लैंक, ही इज इंटरेस्टेड इन पार्टीज, यानी वो पार्टीज में इंटरेस्टेड है। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, और मैं बोलते ही क्वेश्चन लीक हो जाएगा, मैं बोलते ही क्वेश्चन लीक हो जाएगा। जवाब दे दो मेरे लाला। सर जी हां दो काम हो रहे हैं, कि वो पार्टी में इंटरेस्टेड भी हैं लेकिन पार्टी में जाने को मना भी कर दिया। काम उल्टा सर, कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट। और ए गुरु जी अब किसका यूज करें? सर जी एक ही ऑप्शन बच रहा है, यदि बट होता तो कर देते, लेकिन यहां दो है, लेकिन बट भी नहीं होता। बट कब होता? जब ये सेंटेंस पहले आ जाता और बाद में आपका ये रिफ्यूज वाला सेंटेंस बाद में आता ना, तब बट हो जाता, समझ गए? लेकिन यहां पर आपका रिफ्यूज वाला सेंटेंस पहले है कि उसने मना कर दिया, हालांकि वो इंटरेस्टेड है, तो हालांकि के सेंस में क्या हो जाएगा सर? दो का यूज हो जाएगा। सही है? हां गुरु जी। चलो अगला क्वेश्चन, हवाई इज ब्लैंक आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, कि सर पैसिफिक ओशियन में हवाई नाम का क्या है सर? आइसलैंड है। अब बताओ सर ए होगा, एन होगा, द होगा, या फिर सर प्यारे बच्चे यहां पर कुछ भी नहीं होगा? बताओ सर, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर दे दो। सर जी आइसलैंड को जब बोलते हैं तो क्या निकलता है मुझसे सर? साउंड आपका कॉन्सोनेंट, केसस, ओहो वोवेल साउंड, सॉरी कैसा साउंड है सर? वोवल साउंड है। और प्यारे बच्चे जब वोवल साउंड होता है तो क्या करते हैं? एन का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा सर? एन आइसलैंड हो जाएगा। मतलब आया समझ में? हवाई इज एन आइसलैंड, कि हवाई एक आइसलैंड है, जो कि सर कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 116 का जवाब दीजिए, व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब है? अरे सफेद वाला हाथी, सफेद वाला हाथी सर। और सफेद वाला हाथी क्या होता है सर? एलिफेंट्स ऑफ थाईलैंड हो जाएगा सर, बर्डन सम पोजिशन हो जाएगा, इन डिस्गाइज हो जाएगा, या स्नॉब पर्सन हो जाएगा सर। सफेद हाथी लाया, फिर मैंने सोचा इसको मैं शादियों में लेके जाऊंगा, दूल्हे का ऊपर बिठाऊंगा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। बोला कि तेरा हाथी ज्यादा मेल का हो जाता है, इसको नहीं बुलाएंगे। तो भाई इतना ज्यादा महंगा सामान मेरे किसी काम में नहीं आया, यानी सर बर्डन सम पोजिशन हो गया, यानी सर एक ऐसा सामान मेरे पास में है जो मुझे समस्या देता है, मेरे काम में नहीं आता। तो व्हाइट एलिफेंट क्या हो जाएगा सर? बर्डन सम पोजिशन हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चे, सी वेंट आउट ब्लैंक द फैक्ट दैट सी हेड अ बेड कॉल्ड, बोलो सर सी वेंट आउट ब्लैंक द फैक्ट दैट सी हेड अ बेड कॉल्ड। ओहो क्या कह रहा है? कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। बोलो क्या हो जाएगा? अरे 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 जागो ग्राहक, जागो जागो ग्राहक, जागो, वो बाहर गया बावजूद द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद वो बाहर गया। कौन से फैक्ट के बावजूद? दैट सी हेड अ बेड कॉल्ड, कि सर उसको बहुत भयंकर जुखाम लगी थी, इस फैक्ट के बावजूद भी वो बाहर गया। आप जवाब दो, बावजूद भी बाहर गया, आप जवाब दो। सर जी क्या हो जाएगा? इंस्पाइट ऑफ, क्या हो जाएगा सर? इंस्पाइट ऑफ। आई बात समझ में गुरुजी? आ गई। बताओ साहब, क्रिसमस कम्स वंस ब्लैंक ईयर, बोलो सर क्रिसमस कम्स वंस ब्लैंक ईयर, बोलो बेटा जवाब दे दो क्या हो जाएगा? सर जी साल में एक बार आता है, तो सर क्या बोलते हैं? वंस ए ईयर हो जाएगा सर, वंस ए ईयर हो जाएगा।
लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी एन का यूज ईयर के साथ में कर देते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि इसको हम ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ईयर बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, य की ध्वनि मुंह से निकलती है तो सर कॉन्सोनेंट होगा, यानी सर जी आपका क्या हो जाएगा, वंस ए ईयर, यानी साल में एक बार हो जाएगा। चलो गुरु जी अगला बताओ, बीट द रिट्रीट। बेटा रिट्रीट का मतलब क्या होता है सर? वापसी। रिट्रीट का मतलब क्या होता है सर? रिट्रीट का मतलब वापसी, कि सर वापसी को बीट करना, मतलब सर हार के हाथ जोड़ के वापस आ जाना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बीट अ रिट्रीट नहीं करना, आपको वापस नहीं घूमना है। जब कदम उठा लिया है मंजिल तक जाने को तो जाना है भाई। दुश्मन के सामने रिटायर बिल्कुल नहीं होना, दुश्मन के सामने घुटने बिल्कुल नहीं टेकने हैं सर। यानी बीट अ रिट्रीट का क्या मतलब होता है सर? रिटायर बिफोर द एनिमी, यानी एनिमी के सामने निवर्त हो जाना, घुसने टेक देना। प्यारे बच्चे, ही रेन अवे ब्लैंक, ही शुड बी सेंट टू प्रिजन। अब जवाब दे दीजिए, ही रेन अवे, वो भाग गया, ब्लैंक, ही शुड बी सेंट टू क्या? प्रिजन। अन्यथा उसको क्या हो सकती थी? जेल हो जाती। बच्चे फिर देखिए सर, क्या है सुड और सुड की जोड़ी कौन बनाता है सर? लेस्ट बनाता है। क्या हो जाएगा बच्चे? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बी ऑप्शन हो जाएगा, कि वो तो चला गया वरना उसे जेल में दबा देते। बताओ साहब, हैव यू ऑलरेडी हेड ब्लैंक लंच? अब जवाब दीजिए, हैव यू ऑलरेडी हेड ब्लैंक लंच? अब जवाब दीजिए सर, क्या होगा? ए एंड देम से यूज करो सर। क्वेश्चन नंबर 121 सर जी, डिनर होता है, लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, सर जनरल सेंस में जब भी आता है तो उसके साथ में किसका यूज नहीं होता सर? आर्टिकल का यूज नहीं होता। क्या हो जाएगा मेरे सेरो? डी ऑप्शन एकदम सही, डी ऑप्शन एकदम सही। चलो साहब, काल एस्पेड एस्पेड, कोल एस्पेड एस्पेड का मतलब क्या होता है? एस्पेड एस्पेड बुलाने का क्या मतलब होता है बताओ? देखिए, कॉर्डियली होगा स्पीक, डिप्लोमेटिकली होगा, टू बी आउटस्पोकन होगा, या टू स्पीक वेरी प्लेनली होगा। सर जी कोल स्पेड का मतलब क्या होता है सर? साफ साफ कह देना। क्या होता है सर? साफ साफ कह देना होता है। मतलब सर जी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कोल स्पेड का मतलब क्या हो जाएगा सर? साफ साफ कह देना होता है। इसीलिए प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन धूम मचाएगा। चले आगे। चलो सर, आई ब्लैंक ए बुक दीज डेज, आई ब्लैंक ए बुक दीज डेज, बताइए सर यहां पर कौन आ गया? सर जी सेंटेंस को देखा तो एक चीज आई, कौन सी चीज? सर दीज डेज आया, किसमें होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहां है सर? सी ऑप्शन में है, तो सर एम राइटिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन में प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा सर? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज, इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूं। चलो सर जी, बाई हुक एंड क्रूक का क्या मतलब है? बाई हुक एंड क्रूक का क्या मतलब है? फटाफट से बताइए, बाई हुक एंड क्रूक। बेटा बाई हुक एंड क्रूक सर जी, इसका मतलब होता है येन केन परकारेण। बहुत बार हम ये कहते हैं ना, येन केन परकारेण, और येन केन परकारेण का क्या मतलब होता है? शाम दाम दंड भेद, कुछ भी अपनाओ लेकिन काम करो सर। इसी को बोलते हैं बाई फेयर एंड फॉल मीन्स, है ना? बाई फेयर एंड फॉल मीन्स, यानी सर अच्छे या बुरे कोई से भी तरीके हो, बस काम होना चाहिए। ठीक है, बस काम होना चाहिए, कि सोना हो या नहीं हो, बस काम होना चाहिए। सोना हो या नहीं हो, बस सिलेक्शन होना चाहिए सर। इसीलिए फेयर यानी अच्छा, और फाउल का मतलब सर क्या होता है? बुरा। ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी करके काम कर लिया। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक गुड फॉर हेल्थ, कि ब्रेड एंड बटर जो है वो हेल्थ के लिए सर अच्छे होते हैं। बताओ क्या हो जाएगा सर? फिर से आपने धूम मचा दी, फिर से सर जी आपका क्या है सर? यहां पर आपका यूनिट एक हो गया, और यूनिट हो गया तो सिंगुलर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी सर हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा सर? इज हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ होगा, क्योंकि सर एक यूनिट है और सिंगल यूनिट होती है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं सर। बोलो प्यारे बच्चे, क्रोकोडाइल टीयर्स, कि सर क्रोकोडाइल वाले आंसू, आंसू कौन से सर? क्रोकोडाइल वाले आंसू, कि तुम मगर मच्छ के आंसू मत बहा, मुझे पता है कि मेरी पीठ के ऊपर छुर्रा तुम्हें घोंपा है। ठीक है, चलो सर, क्या मतलब है? मतलब सर जी ये होता है कौन सा? इनसिंसियर सोरो, यानी सर झूठा दुख।
क्रोकोडाइल के आंसू क्या होते हैं सर? झूठा दुख होता है, यानी सर फाल्स सोरो होता है, इनसिंसियर सोरो होता है, ठीक है, यानी दिखावा होता है, केवल दिखावे वाला क्या होता है सर? दुख होता है। चलो प्यारे बच्चे आगे आ जाओ। दिस टोर्च ब्लैंक टू बैटरीज, कि इस टोर्च में दो बैटरी है, दो, इसीलिए दो घंटे से डिस नहीं हुई। इस टॉर्च में दो बैटरी है, इसीलिए पिछले दो घंटे से डिस हुई ही नहीं। सर बताओ, होल्डिंग होगा, होल्ड होगा, होल्ड होगा, या प्यारे बच्चे आपका होल्डेड हो जाएगा। सर जी दिस बैटरी, इस बैटरी में, सॉरी दिस टॉर्च, इस टॉर्च में दो बैटरी है। सर प्रेजेंट सिंपल, कहां चलूं? प्रेजेंट सिंपल। सर होल्डेड नहीं होगा, होल्डिंग नहीं होगा, सिंगुलर है तो होल्ड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर जी? आपका बी ऑप्शन होल्ड्स हो जाएगा। सर बी ऑप्शन होल्ड हो जाएगा। सर जी बहुत अच्छे, बीट अबाउट द बुश, कि सर हां कि सर रस्ते में कहीं काम भेजे तो रस्ते में झाड़ियों को लाते मारता मारता जा रहा है, यानी सर बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब होता है सर? किसी काम की भूमिका बांधना। मैं सुबह सुबह क्लास में आके दो कविता सुनाने लग जाता हूं, मैं कोई चुटकुला सुनाने लग जाता हूं, जितनी देर में बच्चे क्या कहते हैं, सर आप तो बीट अबाउट द बुश कर रहे हैं, यानी सर आप तो भूमिका बांध रहे हैं, यानी आप अपने पॉइंट पर चलने में देरी कर रहे हैं, यानी सर अप्रोच ए सब्जेक्ट स्लोली हो जाएगा, यानी सर किसी विषय तक धीरे धीरे पहुंचना हो जाएगा। समझ गए गुरुजी? हां जी सर। चलो सर बताओ, ही ब्लैंक मी, ही ब्लैंक मी का जवाब दो फटाफट। सर ये तो हमें आता है, मैंने कहा रे बच्चे कैसे आता है? बोले गुरुजी यहां पर ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में होता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर डी को हटा। बोले सर डी को क्यों, आईएनजी को भी हटाओ। ये लो बी को भी हटाया। बोले सर ए को भी हटाओ। मैंने कहा रे क्यों? बोले सर ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, जोड़ी नहीं जबेगी, तो क्या करें? सर जी ये पढ़ा, ऑलवेज के साथ में ही का सिंगुलर वर्ब, यानी सर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आया मजा? हां गुरुजी चलें। चलो जी सर आगे बढ़े, बढ़ो सर। बोर्न विद सिल्वर स्पून, कि सर जब मैं जन्मा था तो मेरे मुंह में चांदी की चम्मच थी, जब मैं जन्मा था तो मेरे मुंह में चांदी की चम्मच थी। अरे भाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। सर क्या है? कि पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो जवाब दो। सर जी चांदी की चम्मच मुंह में होने का क्या मतलब है? कि सर धनवान पेरेंट्स के साथ में क्या करना? जन्म लेना। कि सर पैसे वाले पेरेंट्स से क्या करना? जन्म लेना। उसी को क्या बोलते हैं सर? बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून बोलते हैं, यानी चांदी की चम्मच के साथ में जन्म लेना बोलते हैं। बोलो माइका इन राजस्थान, माइका क्या होता है? माइका होता है सर अभ्रक। एक दिन मैंने घरवाली से पूछ लिया, अरे माइका क्या होता है? बोले माइका। मैंने कहा हाँ माइका। बोले माइका तो मेरा गांव होता है ना। अरे मैंने कहा तुझे माइका ही दिखता है, ये माइका है, इसको अभ्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्रक बोलते हैं। बताओ सर क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट से। सर जी एक बात कहूं, मैंने कहा क्या? बोले सर पैसिव है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। ठीक है साहब, मैंने ए और डी को भगा दिया। तो बोले सर एक बात और बताऊं, मैंने कहा हां। बोले इस फाउंडेड का मतलब क्या होता है पता है क्या? मैंने कहा नहीं पता। बोले इसका मतलब होता है नींव लगाना। तो सर माइका की नींव नहीं लगती, अभ्रक राजस्थान में मिलता है, और मिलता है तो क्या करना पड़ेगा? सी ऑप्शन सही करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? गुरुजी आ गई, मजा भी आया, गुरुजी आया। चलो भाई इसका जवाब दे दो, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, कि सर अपनी ट्रम्पेट बजाना, अपनी बांसुरी बजाना, अपने तूती बजाना, इसका क्या मतलब है? कि सर जब भी आते हैं ना तो अपने ही अपनी बढ़ाइयां करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और लखन दे लेके नहीं है, लखन दे लेके नहीं है, बढ़ाई अपनी अपनी करता है। यानी सर जी क्या हो जाएगा? प्रेज वनसेल्फ लाउडली, जोर जोर से अपनी बढ़ाई करना, जोर जोर से अपनी बढ़ाई करना ही क्या होता है सर आपका? प्रेज वनसेल्फ लाउडली होता है। और आगे चले। चलो सर, द ट्रेवलर ब्लैंक टू डेथ, द ट्रेवलर ब्लैंक टू डेथ, कि सर जो ट्रेवलर था, जो यात्री था, वो सर मृत्यु तक पहुंच गया, ऐसा जम गया। मतलब क्या हो गया सर? फ्रीजेज, यानी डेली वो जम के मृत्यु, मतलब उसकी डेली मौत होती है क्या? नहीं सर, प्रेजेंट में नहीं हो सकता। तो वॉज फ्रीजिंग, क्या वो धीरे धीरे जम रहा था? नो सर, इट्स ऑल्सो इम्पॉसिबल। सर हेड फ्रोजन क्या कह रहा है? कि पास्ट का कोई टाइम और उस टाइम की लिमिट यदि होती तो सर हम ये यूज करते। अब सर जी केवल और केवल ऑप्शन अपने पास में क्या बचा है? पास्ट सिंपल, तो केवल क्या हो जाएगा सर? फ्रोज हो जाएगा, यानी सर ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो
मर गया सर। और बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ए बर्निंग क्वेश्चन, फटाफट से बताइए बर्निंग क्वेश्चन का। ए प्रेजेंट होगा, एन ओल्ड इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाएगा, ए मैटर हॉटली डिस्कस्ड इन पब्लिक हो जाएगा, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा। सर जी एक ऐसा कोई भी मैटर जो कि सर बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है पब्लिक में इन दिनों, उसी को क्या बोलते हैं सर, उसी को बर्निंग क्वेश्चन बोलते हैं। और प्यारे बच्चे बात करूंगा महायज्ञ सेकंड की, 17 घंटे लगातार एक बार फिर आ रही है पूरी टीम आपके लिए, और वो टीम जो सोचती नहीं है बच्चे कि उनके पास में टाइम है या नहीं है, वो बिजी है या मतलब उनको बुखार है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यदि है ना बुखार तो भी ये 17 घंटे क्लास चलेगी, ठीक है, आपके लिए ये टीम तैयार रहेगी बेटा। तो बेटा जी याद रखना 13th को मेरे हर शेर शेरनी को आना है, और विशेष बात की इस बार पेपर के लिए सर, और बी एस सर आपको कनेक्ट करेंगे। बेटा मेरी क्लास आ रही है 8 मिनट बाद में, इन्होंने पहले मैं चाहता था 15 मिनट दे दिया आपको पानी वानी करने के लिए जाने के लिए, लेकिन इन्होंने 5-7 मिनट ही दिया है। फटाफट जाइए और यहाँ पे 5 मिनट में वापस कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे जो करंट अफेयर्स की 7 क्लास हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे बायटी पे, उनमें यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स है, उसकी जन्म कुंडली हम यहाँ पे खोलने वाले हैं। और उसी के साथ में जिसे सर ने कहा कि ये नंबर है, तो ये नंबर नोट करके रखिए, क्योंकि मैं हमें यहाँ पे जो आपका रिव्यू के लिए यहाँ पे जो कॉल है जो डिटेल है वो बेटा अमूल्य होगी। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत, 7 मिनट में फटाफट आ जाइए, तब तक के लिए मैं आपको छुट्टी देता हूँ 7 मिनट की। जय हिंद।